हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सैतान तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैतान फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है शैतान फिल्म साल 2024 में रिलीज़ हुई है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग सुपर अजय देवगन के फ़ैन हो और शैतान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है चलिए अब बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सैदान फिल्म के बारे में सबसे पहले बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 8 मार्च 2024 को रिलीज़ किया गया था वही इस फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो शैतान फिल्म को बनाने में 60 से लेकर पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 211 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है वही इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो कि तब मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उनकी बेटी एक अजनबी द्वारा डाले गए काले जादू के प्रभाव में आ जाती है और फिर वो उस अजनबी के इरादों का पता लगाने और उस पर जादू रोकने का प्रयास करते हैं उसके पूरे घर वाले इसी साथ दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में ही की गई थी और फिर प्रमुख फोटोग्राफी जून से सितंबर 2023 के बीच देहरादून और लंदन में शुरू हुई थी दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो शैतान फिल्म के संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है जबकि छायांकन और संपादन सुधाकर रेड्डी सर ने तैयार किया है शैतान फिल्म को सीधे 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी रिलीज होने पर जो की अनुमानित इस फिल्म को बनाने में साठ से पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और इसके मुकाबले इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है वही दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म साल 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है वही 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर फिल्म में से इसको एक मानी जा रही है बात करें इस फिल्म के उत्पादन और ढलान के बारे में तो दोस्तों फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म यानी हजार 2023 में रिलीज हुई फिल्म का ही की गई थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में होंगे बताया गया था जिसका निर्देशन विकास बहाल करेंगे ये भी जानकारी दी गई थी जबकि आधिकारिक शीर्षक जो है शैतान की पुष्टि जनवरी 2024 में ही कर दी गई थी इसी के साथ आर माधवन को प्रतिपक्षी और जीविता को देवगन की पत्नी के रूप में लिया गया था जो कि डम 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 2009 इसके अलावा प्रिया मना थोजी 2003 और इसके अलावा मगलिर मटूम 2017 के बाद उनका चौथा सहयोग था इनके साथ साथ ही जयोतिका की पच्चीस साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी हुई है वही बच्चों की भूमिका निभाने के लिए जानकी बोधिवाला और फिर अंगद राज को साइन किया गया था जिसमें बोधिवाला ने ओवश से अपनी भूमिका को दोहराया है वही दोस्तों फिल्म की शूटिंग लंदन मुंबई और मसूरी में की गई है खास तौर पर और फिल्मांकन जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चला था फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी सर ने तैयार किया है और गीत कुमार ने लिखे हैं आपको बता दें पहला सिंगल जिसका शीर्षक जो है खुशिया बटोर लो ये 15 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था यूरोप के ऊपर अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म को क्रिटिक्स ने कितना रिस्पॉन्स रेटिंग दिया है वहीं समीक्षा करते हुए में से 40%, 40 मिली हुई है जिनकी औसत रेटिंग दस में से फाइव कर आ जाती है बॉलीवुड हंगामा की तरफ से फाइव में से फोर स्टार रेटिंग दिया गया है और लिखा गया है इनके तरफ से शैतान एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बेहतरीन अभिनय और ताली बजाने लायक क्लाइमैक्स फिट किया गया है जो आपको बाधा रखती है पूरी फिल्म में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है भले ही शैतान की कहानी कई बार लड़ख हो लेकिन माहौल का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर बेहतरीन अभिनय इसे एक बेचैन कर देने वाला अनुभव में बदल देता है इंडिया टूडे की तरफ से साना फर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है शैतान कमजोर पड़ जाती है तब जब शायद जो है कमजोर स्क्रिप्ट और फिर रीमेक बनाने के दबाव के कारण जो है इस फिल्म को थोड़ा सा खींचा गया है अब इसके बाद फर्स्ट पोस्ट की तरफ से लक्ष्मी देव देवरोए ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और कहा शैतान एक अच्छी अलौकिक थ्रिलर हो सकती थी इसे हमने जो है हाल ही में हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं देखा है लेकिन ये अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध को दर्शाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से गड़बड़ साबित हुई और ये खास कर और ये खराब तरीक़ों से बनाई गई और रिमेक फिल्म है और कहानी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है अनंत में नायक को जीत दिलाना फिल्म को बहुत ही ज़्यादा जो है पूर्वानुमानित बना देता है इसके साथ ही एन डी की तरफ से शैबुल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और लिखा है जीवतिका कलाकारों में एक मात्रा ऐसी है जो कि कार्यवाही की जो है सरासर और मूर्खता से थोड़ा सा ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है दो पुरुष किरदार और फिर उन्हें जो है निभाने वाले अभिनेता कोई मौका नहीं देते हैं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने काफी सोलिड कमाई कर ली है अब आइए दोस्तों बात करते हैं शैतान फिल्म की कहानी के बारे में की, फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी चार्टर अकाउंटेंट कबीर ऋषि और फिर उनकी पत्नी जयोति अपने बच्चों जानवी और दुर्गा के साथ उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं वही एक दूर वही एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते कुछ समय बिताने जाते जहाँ पे वनराज कैश्यप नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से वो मिलते हैं फिर वहाँ पे वनराज जानवी को उसके उसके पराठे के बदले में एक लड्डू खिलाता है लड्डू खाने के बाद ही जानवी जो है कठपुतली की तरह उसकी हर आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर देती है वनराज बाद में फिर से जो है जानवी को बिस्किट का एक पैकेट देता है जब वह कार में होती है और फिर उसे फार्म हाउस पहुँचने के बाद इसे खाने के लिए कहते हैं वही कबीर और उसका परिवार जो है फार्म हाउस के पुल में आनंद लेने लगते हैं जयोति अपना गीला फोन सुखाने के लिए चावल के डिब्बे में रख देती है और फिर जो है छत पर पहुंच जाती है उसने वनराज को फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा पाया जानवी वनराज को अंदर आने देती है और वह दावा करता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है इसके बाद उसकी उपस्थिति से परिवार यहाँ पे स्थिर हो जाता है और जेवती और जेवती कबीर से वनराज को घर से बाहर भेजने के लिए भी कहती है लेकिन वनराज यहाँ पे जानवी से उसके बॉयफ्रेंड और फिर कॉलेज के बारे में बात करना शुरू कर देता है ध्रुव जानवी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है फिर वनराज वह ध्रुव से परेशान हो जाता है और जानवी से झूले पर ध्रुव को धमकाने के लिए भी कहता है जानवी ध्रुव के साथ बहुत ऊंचा झुलाती है जिससे जो है ध्रुव डर जाता है और फिर मदद की गुहार लगाना स्टार्ट कर देता है इस कहानी में आगे जीवती और फिर कबीर वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद दोस्तों कबीर जानवी से घटना को भूल जाने के लिए कहता है कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के साथ किया क्या है और फिर वनराज बताता है कि उसने काले जादू के जरिए उसे सम्मोहित कर लिया है अपने बस में कर लिया है और वह उसके हर आदेश का पालन करेगी बताता है वनराज जानवी को लगातार खड़े रहने और फिर बैठने का आदेश देता रहता है और वह उसका पालन करती रहती है वनराज जानवी को सभी फ़ोन टेलीफोन लाइन तोड़ने का भी आदेश दे देता है और जानवी को अजीब और फिर क्रूर चीज़ें करने के लिए भी निर्देशित करके परिवार को परेशान करता है वनराज जान्हबी को सूखी चाय की पत्तियां खाने का आदेश देता है और फिर ऐसा करती है कबीर जानवी को रोकता भी है और फिर वह वनराज के आदेश पर अपने पिता को थप्पड़ मारती है इस तरह से कहानी में बहुत कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है वनराज कबीर और फिर देवती से जानवी को उसे सौंपने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए थी जब वह मना करता है तो वनराज जानवी को मार देता है और कबीर उस पर हमला करता है वनराज चाहवी को ध्रुव का सिर तोड़ने का आदेश देता है और वह ऐसा ही करती है बाद में सेवती चावल के डिब्बे में रखे फोन से पुलिस को फोन करती है रखे फोन से पुलिस जो है हेली फोन करती है पुलिस जो है हेल्प पाइप पर कॉल उठाते हैं और पुलिस जो है फॉर्म हाउस पर पहुंच जाती है दरवाजे पर पुलिस को देख कर वनराज जानवी को गैस सिलेंडर चालू करने और फिर जो है माचिस जो है पकड़ कर उस पर जो है बैठने का आदेश दे देता है फिर वह कबीर और फिर जेवती को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह जानवी को माचिस जलाकर जो है खुदकुशी करने का आदेश दे देगा परिवार पुलिस के साथ है सामान्य व्यवहार करती आने पर और पुलिस आखिरकार वहां से चली जाती है वही कबीर उन्हें जो है बखसने के बदले में वही कबीर उन्हें बकसने के बदले में पैसे देता है वराज सहमत हो जाता है और घर छोड़ देता है लेकिन पैसों को आग लगा देता है ये घोषणा करते हुए कि उसके लिए भौतिकवादी चीज़ों का कोई भी उपयोग नहीं है वो खुद को एक एक राक्षस बताता है जिसका उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना है खुद को भगवान के समान अच्छा मानता है और वह जानवी को लगातार जो है खुद को थप्पड़ मारने का आदेश देता है और फिर उसे उसके लिए नृत्य करने का आदेश रचता है जानवी एक घंटे से अधिक समय तक नृत्य करती रहती है वह नराज को चाकू लाने का आदेश देता है और फिर वह फिर वह सो वह सो जाता है जानवी को निर्देश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे जब उसके पिता वनराज का फोन चुराने की कोशिश करते हैं जानवी उसे मना करने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए अपने शॉट में अपने शॉट में पेशाव कर देती है ताकि उसे उसे चाकू ना मारना पड़े वनराज जाग जाता है और ये देखकर जो है बहुत निराश हो जाता है पर्याप्त तो होने के बाद ज्योति आखिरकार जो है जानवी से चाकू छीन लेते हैं और फिर वन राज पर जो हमला किया जाता है बाद में कबीर जानवी को साड़ियों पर बांध देता है और फिर जो है वन राज पर हमला करना शुरू कर देते हैं वन जानवी को खुद को जो है हंसने के लिए मारने का आदेश दे देता है और फिर है जो है बताते हैं कि भले ही वह मारा गया हो जानवी अपनी नृत्य जानवी अपनी मृत्यु तक उसके अंतिम जो आदेशों का पालन करना जारी रखेगी ये कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है फिर वनराज जो है जानवी को अपने भाई को मारने का निर्देश देता है कबीर और फिर ज्योति ने जानवी को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया इसके बाद कहानी में ये महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं कबीर और ज्योति वनराज को जानवी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं वनराज जानवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ज्योति ध्रुआ को अस्पताल में लेकर जाती है जबकि जो अंदराज को पता नहीं होता कि कबीर उसे अपने ठिकाने तक ले जा रहा है उसने पहले ही अपने जो है सेल फोन में एक ट्रेकर लगा दिया है और ये पता चलता है कि अंदराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित करके रखा है जानवी को अंतिम सदस्य के रूप में शामिल करके वह उन्हें अग्नि में बलि देने का बलि देने के कार्य की, की पूरी तैयारी कर लिया है वह सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाला ही होता है तभी प्रत्येक काली जो है गुड़िया पर जो है आग के करीब आने का आदेश दिया जाता है एक बार जब वह अंतिम जो है लालियन की गुड़िया फेंक देता है तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी इससे उसकी जो है इच्छा के अनुसार किसी को भी नियंत्रित करने, करने की शक्ति प्राप्त करने की रस्म पूरी हो जाएगी क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता इच्छा के लायक नहीं है कबीर वनराज का पीछा करता रहता है और वहाँ पहुँच जाता है लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और फिर रस्म पूरी करने की रस्म पूरी करने ही वाला होता है फिर कबीर जो है वनराज पर जो है जलाऊ लड़की से हमला करवाता है और अंत में जो है अंतिम लाल गुड़िया से वनराज की जीफ काट लेता है वनराज लड़कियों को कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है और जब जो है यहाँ पे आशय होता है तो जब लड़कियाँ कबीर को मारने की कोशिश करती है तो वह वंदराज़ की आवाज़ की संपादित रिकॉर्डिंग बजाता है जिसमें वह उनकी जो है आजादी की घोषणा करता है इससे पहले कबीर ने घर के जो है सिक्योरिटी कैमरे से वंदराज़ की रिकॉर्डिंग ली थी जिसमें वह जानवी से था कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उसे छोड़ दे कबीर ने अपने शब्द को इस तरह से जोड़ा कि ऐसा लगे कि वनराज लड़कियों को सामान्य होने का आदेश दे रहा है इस तरह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियाँ उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती है जैसे ही कबीर और फिर उसका परिवार जो है अस्पताल में ठीक हो जाते हैं वनराज की जो यहाँ पे बंधक लड़कियों को पुलिस द्वारा पुलिस पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से उनके घर वापस भेज दिया जाता है जो कि कबीर को सूचित किया जाता है कि वनराज लापता हो गया है इसके बाद दोस्तों एक साल बाद कबीर को एक अलग कमरे में जाते हुए देखा जाता है जहाँ पे उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है और वह वनराज का मजाक उड़ाता है जो अब जो है बोल नहीं सकता और उसे जो है सत्ता की चाह है और वो कहता है कि असली ताकत जो है माता पिता असली ताकत माता पिता से अति कोई नहीं हो सकता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वह घोषणा करता है कि ये अब नरक है तुम्हारे लिए और वनराज का शैतान और वनराज का शैतान ही है फिर वह वनराज से कहता है कि अगले दिन फिर मिलेंगे और वहाँ से वो चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है वही दोस्तों इस फिल्म की मूवी रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अक्सर अजय देवगन की कहानियों और ट्रीटमेंट के लिए अंतहीन भूख पर जो आश्चर्य चर्कित किया जाता है और उन्हें उन्हें अपरिहार्य और फिर मुक्तिदाता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह एक खास तरह के अल्ट्रा मर्दाना और अडिग नायक की भूमिका निभा सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आदर्शों और फिर जो कथिक रूप से प्यारे जो भोलेपन से बहुत अधिक ग्रस्त है जिसकी भरपाई जो है ताकत और फिर जो है सुसंत कृत और सहजता है और यानी कि उग्र और स्वभाव की जो है स्वभाव की जानी चाहिए और इस जो है मामलों में यहाँ पे गंगा जल दो हज़ार तीन इसव फ्रेंचाइजी और फिर रेड फिल्म दो आप लोग देख सकते हो इस तरह से मुझे उनकी हालिया फिल्मों के दूसरे हिस्से पर ज़्यादा जो आश्चर्य हुआ इसमें उन्होंने एक नासमझ कठोर पिता की भूमिका निभाई है फिर जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जिसमें एक प्यार करने वाला परिवार की अब पूरी चीज़ें शामिल है जो कि उसकी दुनिया के केंद्र में है उन्होंने देवश्याम फिल्म देर फिल्मों में और फिट सिवाय दो में ऐसा ही किया है विकास बहल की शैतान में अजय देवगन के अंदर का राक्षस उनके अंदर के पिता से मेल खाता है दोस्तों उनकी फिल्मों के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बता इतना ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है इस यानि की टॉर्चर पोर्नो में बहुत जो कुछ रखी गई जो कि अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में सेट किए गए चरित्र पर टिके हुए हैं और एक यहाँ पे समझौतावादी जो है पिता है जो कि अपनी बेटी के जीवन और फिर सम्मान के लिए लड़ते हैं इस तरह से शैतान के साथ जो खौफ और झिझक जो आती है वह इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्म और फिर इसकी पदकथा में जो यहाँ परिस्थितियाँ मौजूद है वह वास्तव में वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो है व्यवहार है वह परिस्थितियाँ प्रतिक्रिया टेम्पलेट के उत्पाद के रूप में काम करते हैं जो कि यहाँ पे विकृत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और फिर जो है बंधक नाटक और फिर हमेशा पेश करते हैं विकास की फिल्म इन जो है दोनों उप शैलियों को लिया जाता है और फिर इसे जो है अलौकिकता के अति रेक में जो है फेंक दिया जाता है और यही वह चीज़ है जो कि अंतिम उत्पाद को इतना बेकार बना देता है कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें पहाड़ियों में एक के परिवार के यहाँ पे सुदूर जो है फार्म हाउस में एक बीन यानी कि बुरा है मेहमान के दौरान पर्याप्त परेशान करने वाला नहीं है उसे एक उसे एक यानी कि वशीकरण के साथ मिलकर और फिर जो विशेषज्ञ होने की आवश्यकताएं है जिसके तरीके विज्ञान की समझ से परे हैं और क्या हम वास्तव में अभी भी ऐसा कर सकते हैं और जिसका लक्ष्य जो है किशोर लड़कियों को सम्मोहित करने और उनका अपहरण करने और उन्हें और उन्हें जौहर शैली की बलि के लिए इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है ताकि जो है पत, ताकि जो है पताल की बागडोर उसके हाथों में आ जाए कई भारतीय बच्चों को ये कहते हुए बड़ा किया जाता है कि वह अजनबियों से कह या फिर जो ट्रीट न ले और इसी तरह ये शैतान जो है यहाँ पे परपीरत और फिर अजय देवगन की बेटी जानवी यानी कि जानकी बोधि वाला पर जो है नियंत्रण किया जाता है इसी तरह से अब इस कहानी में इस पागल घुसपैठियों के किरदार के लिए माधवन शरारती किरदारों के लिए अपनी जो है प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं परिवार के आपसी संबंधों में खुद को जो है शामिल करना और फिर उसके तुरंत बाद जो है उनके घर में घुस जाना किसी तरह की महारत लग सकता है लेकिन ये भी स्क्रीन पर जो है अनगिनत बार जो है किया गया है और मेरे पसंदीदा है क्योंकि द किलिंग ऑफ यानी कि ए सिक्रेट डियर और फ्य जूह फनी गेम्स इन द वेस्ट और कौन और फिर फ्यजुआ रोड क्लोजर में भी दिखाया गया था अजय देवन अभिनीत कई फिल्मों में जो चीज़ जो है उबाऊ लगती है और बल्कि घिनौनी लगती है और यहाँ पे क्रूरता या फिर जो यातना और युवा महिलाओं की यौन जो है भेदता पर निर्भरता किया गया है मानसिक रूप से बता दें बीमार घुसपैठिए सहित जो है सभी को पिता सभी को पीटा जाता है और फिर यदि आप जो है इसके अनुश्यक जो है और भारीपन से बचने के लिए जपते हैं तो अपनी जो आंखें बंद कर लेते हैं तो यहाँ पे फिल्म जो है सुनिश्चित करती है कि आवाज़ यहाँ पे आपके कानों तक पहुंचे वहीं पर पक्षी अपने जो है विषय को अपना अपने आठ वर्षीय भाई के सिर को एक तेज धार वाले रेंगिंग पर जो है यहाँ पे पटकने का आदेश देती है और फिर जो है लापरवाही से उससे कहती है कि वह अपने जो है चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि यहाँ पे पोच पर जो है खड़े उसके माता पिता ये सुन सके फिर उनके सिर नीचे झुक जाते हैं और फिर उनकी आंखें लाल हो जाती है इसके अलावा कुछ तत्वों में कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है लगातार वही इस फिल्म की एंड में वैसे जब इस फिल्म की बात आती है तो ये सब जो सिर्फ यानी कि हिम शैली का सिरा हिम शैली का सिरा है ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सही संदेश की कीमत पर भी अस्थिर होने की उम्मीद में कदम रखा था चौंका देने वाले दृश्य से फिल्म में जैसे कि जब कबीर और फिर जेवती जेवती का वनराज के नकली नकली जो प्रस्थान के बाद प्रस्थान के बाद भी जानवी को सतबद्ध पाते हैं और यहाँ पे दर्शक उसे जो है दर्शक उसे नकदी और फिर जो आभूषण से भरे जो है बैग के सामने हाथ जोड़ कर खड़े देखते हैं जिससे जो उसने आग लगा दी है अपने आप में भयानक है लेकिन जब वो अपना जो यहाँ पे मुंह खोलता है तो लेखक यहाँ पे आमिल कियान खान जिन्होंने पहले जो है रणवीर चौतीस और फिर जो देवशम टू में अजय देवन के साथ काम किया हुआ है बस इतना ही वो कह सकते हैं कि तुम्हें जो है लगा कि तुम मुझे पैसों से खरीद दो लोगे और फिर वनराज अपनी जो है भयानक जो है कुर्बानी के लिए उनकी बेटी को हासिल करने की अपनी जो है भव्य योजना का खुलासा करता है इसके बाद दोस्तों क्लाइमेक्स का अनुमान लगाया जा सकता है और अगर आप इसकी जो है कमज़ोरी को नज़रअंदाज करना भी चाहे तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बलिदान वाला दृश्य और फिर मातुर का तांत्रिक मेकअप आपको ऐसा करने नहीं देगा अंतिम दृश्य जिसे जो है फिल्म की आत्मा प्रशंसा करने वाली आत्मा और फिर जो है चेतना जंगल में यहाँ पे सड़ते हुए जो है सरते हुए, हुए चूहे के साथ शुरुआत होता है जो कि दृश्य इसमें दिखाया गया है अंधक पूज से यहाँ पे गांड को भी ढीला कर दिया जाता है जिससे आपको ऐसी फिल्में देखने के बाद जो है अपने पेट में जो है महसूस करना चाहिए और साथ ही क्या मैं सी बी एफ एस सी से जो है अनुरोध कर सकता हूँ कि वह निर्माताओं को ऐसी फिल्मों के लिए ये फिल्म जो है काले जादू को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जैसे कि अशुभ कारणों से बचने की अनुमति दिया जाता है फिल्म के अंदर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू कर दिया अजय देवगन की मस्ट फेवरेटेड फिल्म को जिसका नाम है शैतान जिसमें अजय देवगन ने काफी अच्छी परफॉर्म की है और इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कारोबार किया है बॉक्स ऑफिस पे अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सैतान तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैतान फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है सैतान फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग सुपर अजय देवगन के फ़ैन हो और शैतान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है चलिए अब बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही मई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सैदान फिल्म के बारे में सबसे पहले बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 8 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था वहीं इस फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो शैतान फिल्म को बनाने में 60 से लेकर पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है और इसे साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है वही इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो कि तब मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उनकी बेटी एक अजनबी द्वारा डाले गए काले जादू के परवाह में आ जाती है और फिर वो उस अजनबी के इरादों का पता लगाने और उस पर जादू रोकने का प्रयास करते हैं उसके पूरे घर वाले इसी साथ दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में ही की गई थी और फिर प्रमुख फोटोग्राफी जून से सितंबर 2023 के बीच देहरादून और लंदन में शुरू हुई थी दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर लें तो शैतान फिल्म के संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है जबकि छायांकन और संपादन सुधाकर रेड्डी सर ने तैयार किया है शैतान फिल्म को सीधे 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी रिलीज होने पर जो की अनुमानित इस फिल्म को बनाने में साठ से पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और इसके मुकाबले इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है वही दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म साल 2024 तो की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है वही 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर फिल्म में से इसको एक मानी जा रही है बात करें इस फिल्म के उत्पादन और ढलान के बारे में तो दोस्तों फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म यानी वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म का ही मूवी रीमेक है वर्ष फिल्म 2023 के हिंदी रिमेक की घोषणा मई 2023 में ही की गई थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में होंगे बताया गया था जिसका निर्देशन विकास बहाल करेंगे ये भी जानकारी दी गई थी जबकि आधिकारिक शीर्षक जो है शैतान की पुष्टि जनवरी 2024 में ही कर दी गई थी इसी के साथ आर माधवन को प्रतिपक्षी और जीवतिका को देवगन की पत्नी के रूप में लिया गया था जो कि डम 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 2009 इसके अलावा प्रिया मना थोजी 2003 और इसके अलावा मगलीर मटुम 2017 के बाद उनका चौथा सहयोग था इनके साथ साथ ही जयोतिका की 25 साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी हुई है वही बच्चों की भूमिका निभाने के लिए जानकी बोधी और फिर अंगद राज को साइन किया गया था जिसमें बोधीवाला ने ओवस से अपनी भूमिका को दोहराया है वहीं दोस्तों फिल्म की शूटिंग लंदन मुंबई और मसूरी में की गई है खास तौर पर और फिल्मांकन जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चला था फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी सर ने तैयार किया है और गीत कुमार ने लिखे हैं आपको बता दें पहला सिंगल जिसका शीर्षक जो है खुशिया बटोर लो ये पंद्रह फरवरी दो को रिलीज़ किया गया था यूरोप के ऊपर अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म को क्रिटिक्स ने कितना रिस्पॉन्स रेटिंग दिया है वही समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रोट एन पर पंद्रह आलोचकों की समीक्षाओं में चालीस परसेंट चालीस परसेंट सकारात्मक समीक्षाएं मिली हुई है जिनकी औसत रेटिंग दस में से फाइव पॉइंट थ्री निकलकर आ जाती है यही दोस्तों इसके बाद इस फिल्म को बॉलीवुड हंगामा की तरफ से फाइव में से फोर स्टार रेटिंग दिया गया है और लिखा गया है इनके तरफ से चैतान एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बेहतरीन अभिनय और ताली बजाने लायक क्लाइमैक्स फिट किया गया है जो आपको बाधे रखती है पूरी फिल्म में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है भले ही शैतान की कहानी कई बार लड़खड़ाती हो लेकिन माहौल का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर बेहतरीन अभिनय इसे एक बेचैन कर देने वाला अनुभव में बदल देता है इंडिया टूडे की तरफ से साना फर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है शैतान कमज़ोर पड़ जाती है तब जब शायद जो है कमज़ोर स्क्रिप्ट और फिर रीमेक बनाने के दबाव के कारण जो है इस फिल्म को थोड़ा सा खींचा गया है अब इसके बाद फर्स्ट पोस्ट की तरफ से लक्ष्मी देव देवरोए ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और कहा शैतान एक अच्छी अलौकिक थ्रिलर हो सकती थी इसे हमने जो है हाल ही में हिंदी सिनेमा में ज्यादा नहीं देखा है लेकिन ये अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध को दर्शाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से गड़बड़ साबित हुई और ये ख़ास कर और ये खराब तरीकों से बनाई गई और रीमेक फिल्म है और कहानी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है अंत में नायक को जीत दिलाना फिल्म को बहुत ही ज्यादा जो पूर्वानुमानित है इसके साथ ही की तरफ से से ने इस फिल्म को में स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है। और लिखा है जीविका कलाकारों में एक मात्रा ऐसी है जो कि कार्यवाही की जो है सरासर और मूर्खता से थोड़ा सा ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है दो पुरुष किरदार और फिर उन्हें जो है निभाने वाले अभिनेता कोई मौका नहीं देते हैं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने काफी सॉलिड कमाई कर ली है अब आइए दोस्तों बात करते हैं शैतान फिल्म की कहानी के बारे में की, फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी चार्टर अकाउंटेंट कबीर ऋषि और फिर उनकी पत्नी जयोति, अपने बच्चों जानवी और दर्वा के साथ उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं वहीं एक दूर वहीं एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते कुछ समय बिताने जाते जहाँ पे वनराज कैशव नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से ओ मिलते हैं फिर वहाँ पे वनराज जानवी को उसके उसके पराठे के बदले में एक लड्डू खिलाता है लड्डू खाने के बाद ही जानवी जो है कठपुतली की तरह उसकी हर आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर देती है वनराज बाद में फिर से जो है जानवी को बिस्किट का एक पैकेट देता है जब वह कार में होती है और फिर उसे जो है फार्म हाउस पहुँचने के बाद इसे खाने के लिए कहते हैं वही कबीर और उसका परिवार जो है फार्म हाउस के पुल में आनंद लेने लगते हैं जयोति अपना गीला फोन सुखाने के लिए चावल के डिब्बे में रख देती है और फिर जो है छत पर पहुंच जाती है उसने वनराज को फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा पाया जानवी वन राज को अंदर आने देती है और वह दावा करता है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है इसके बाद उसकी उपस्थिति से परिवार यहाँ पर स्थिर हो जाता है और जेवती और जेवती कबीर से वनराज को घर से बाहर भेजने के लिए भी कहती है लेकिन वनराज यहाँ पर जह्नवी से उसके बॉयफ्रेंड और फिर कॉलेज के बारे में बात करना शुरू कर देता है ध्रुआ जानवी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है फिर वनराज वह है से परेशान हो जाता है और जानवी से झूले पर ध्रुव को धमकाने के लिए भी कहता है जानवी ध्रुव के साथ बहुत ऊंचा झुलाती है जिससे जो है ध्रुव डर जाता है और फिर मदद की गुहार लगाना स्टार्ट कर देता है इस कहानी में आगे जीवती और फिर कबीर वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद दोस्तों कबीर जानवी से घटना को भूल जाने के लिए कहता है कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के साथ क्या क्या है और फिर वनराज बताता है कि उसने काले जादू के जरिए उसे सम्मोहित कर लिया है अपने बस में कर लिया है और वह उसके हर आदेश का पालन करेगी बताता है वनराज जानवी को लगातार खड़े रहने और फिर बैठने का आदेश देता रहता है और वह उसका पालन करती रहती है वनराज जानवी को सभी फ़ोन टेलीफोन लाइन तोड़ने का भी आदेश दे देता है और जानवी को अजीब और फिर क्रूर चीज़ें करने के लिए भी निर्देशित करके परिवार को परेशान करता है वंदराज जान्हवी को सूखी चाय की पत्तियां खाने का आदेश देता है और फिर ऐसा करती है कबीर जानवी को रोकता भी है और फिर वह वंदराज के आदेश पर अपने पिता को थप्पर मारती है इस तरह से कहानी में बहुत कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है वंदराज कबीर और फिर देवती से जानवी को उसे सौंपने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए थी जब वह मना करता है तो वनराज चान्नवी को मार देता है और कबीर उस पर हमला करता है वनराज चान्नवी को ध्रुव का सिर तोड़ने का आदेश देता है और वह ऐसा ही करती है बाद से में सेवती चावल के डिब्बे में रखे फोन से पुलिस को फोन करती है रखे फोन से पुलिस जो है हेली फोन करती है पुलिस जो हेल पाइप पर कॉल उठाते हैं और पुलिस जो है फॉर्म हाउस पर पहुंच जाती है दरवाजे पर पुलिस को देखकर वनराज चान्नवी को गैस सिलेंडर चालू करने और फिर जो है माचिस जो है पकड़ कर उस पर जो है बैठने का आदेश दे देता है फिर वह कबीर और फिर जियती को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह जानवी को माचिस जलाकर जो है खुदकुशी करने का आदेश दे देगा परिवार पुलिस के साथ है सामान्य व्यवहार करती आने पर और पुलिस आखिरकार वहां से चली जाती है वही कबीर उन्हें जो है बखसने के बदले में वही कबीर उन्हें बखसने के बदले में पैसे देता है वराज सहमत हो जाता है और घर छोड़ देता है लेकिन पैसों को आग लगा देता है ये घोषणा करते हुए कि उसके लिए भौतिकवादी चीज़ों का कोई भी उपयोग नहीं है वो खुद को एक एक राक्षस बताता है जिसका उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना है खुद को भगवान के समान अच्छा मानता है और वह जानवी को लगातार जो है खुद को थप्पड़ मारने का आदेश देता है और फिर उसे उसके लिए नृत्य करने का आदेश रचता है जानवी एक घंटे से अधिक समय तक नृत्य करती रहती है वनराज जानवी को चाकू लाने का आदेश देता है और फिर वह फिर वह सो वह सो जाता है जानवी को निर्देश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे जब उसके पिता वनराज का फोन चुराने की कोशिश करते हैं जानवी उसे मना करने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए अपने शॉर्ट में अपने शॉर्ट में पेशाव कर देती है ताकि उसे उसे चाकू न मारना पड़े वनराज जाग जाता है और ये देखकर जो है बहुत निराश हो जाता है पर्याप्त तो होने के बाद जेवती आखिरकार जो है जानवी से चाकू छीन लेते हैं और फिर वनराज पर जो हमला किया जाता है बाद में कबीर जानवी को साड़ियों पर बांध देता है और फिर जो है वनराज पर हमला करना शुरू कर देते हैं वनराज जानवी को खुद को जो है हंसने के लिए मारने का आदेश दे देता है और फिर जो है बताते हैं कि भले ही वह मारा गया उस जानवी अपनी नृत्य भी अपनी मृत्यु तक उसके अंतिम जो आदेशों का पालन करना जारी रखेगी ये कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है फिर वनराज जो है जानवी को अपने भाई को मारने का निर्देश देता है कबीर और फिर जयोति ने जानवी को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया इसके बाद कहानी में ये महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं कबीर और जेवती वनराज को जानवी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं वनराज जानवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं जेवती ध्रुवा को अस्पताल में लेकर जाती है जबकि जो वनराज को पता नहीं होता कि कबीर उसे अपने ठिकाने तक ले जा रहा है उसने पहले ही अपने जो सेल फोन में एक ट्रेकर लगा दिया है और ये पता चलता है कि अनुराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित करके रखा है जानवी को अंतिम सदस्य के रूप में शामिल करके वह उन्हें अग्नि में बलि देने का बलि देने के कार्य की, की पूरी तैयारी कर लिया है वह सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाला ही होता है तभी प्रत्येक काली जो है गुड़िया पर जो है आग के करीब आने का आदेश दिया जाता है एक बार जब वो अंतिम जो है लालयन की गुड़िया फेंक देता है तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी इससे उसकी जो है इच्छा के अनुसार किसी को भी नियंत्रित करने, करने की शक्ति प्राप्त करने की रस्म पूरी हो जाएगी क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता इच्छा के लायक नहीं है कबीर वंदराज का पीछा करता रहता है और वहाँ पहुँच जाता है लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और फिर रस्म पूरी करने की रस्म पूरी करने ही वाला होता है फिर कबीर जो है वनराज पर जो है जलाऊ लड़की से हमला करवाता है और अंत में जो है अंतिम लाल गुड़िया से वनराज की जीफ काट लेता है वनराज लड़कियों को कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है और जब जो है यहाँ पे आशय होता है तो जब लड़कियाँ कबीर को मारने की कोशिश करती है तो वह वंदराज की आवाज़ की संपादित रिकॉर्डिंग बजाता है जिसमें वह उनकी जो है आजादी की घोषणा करता है इससे पहले कबीर ने घर के जो है सिक्योरिटी कैमरे से वंदराज की रिकॉर्डिंग ली थी जिसमें वह जानवी से कह रहा था कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उसे छोड़ दे कबीर ने अपने शब्द को इस तरह से जोड़ा कि ऐसा लगे कि वंदराज लड़कियों को सामान्य होने का आदेश दे रहा है इस तरह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियाँ उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती है जैसे ही कबीर और फिर उसका परिवार जो है अस्पताल में ठीक हो जाते हैं वनराज की जो है यहाँ पे बंधक लड़कियों को पुलिस द्वारा पुलिस पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से उनके घर वापस भेज दिया जाता है जो कि कबीर को सूचित किया जाता है कि वनराज लापता हो गया है इसके बाद दोस्तों एक साल बाद कबीर को एक अलग कमरे में जाते हुए देखा जाता है जहाँ पे उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है और वह वनराज का मजाक उड़ाता है जो अब जो है बोल नहीं सकता और उसे जो है सत्ता की चाह है और वो कहता है कि असली ताकत जो है माता पिता असली ताकत माता पिता से अति कोई नहीं हो सकता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वह घोषणा करता है कि ये अब नरक है तुम्हारे लिए और वनराज का शैतान वनराज का शैतान ही है फिर वह वनराज से कहता है कि अगले दिन फिर मिलेंगे और वहाँ से वो चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है वही दोस्तों इस फिल्म की मूवी रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अक्सर अजय देवगन की कहानियों और ट्रीटमेंट के लिए अंतहीन भूख पर जो आश्चर्य चर्कित किया जाता है और उन्हें उन्हें अपरिहार्य और फिर मुक्ति दाता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह एक खास तरह के अल्ट्रा मर्दाना और अडिग नायक की भूमिका निभा सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आदर्शों और फिर जो कथित रूप से प्यारे जो भोलेपन से बहुत अधिक ग्रस्त है जिसकी भरपाई जो है ताकत और फिर जो है सुसंत कृत और सहजता है और यानी कि उग्र और स्वभाव की जो है स्वभाव की जानी चाहिए और इस जो है मामलों में यहाँ पे गंगा जल दो हज़ार तीन इसके लव फ्रेंचाइजी और फिर रेड फिल्म दो हज़ार अठारह आप लोग देख सकते हो इस तरह से मुझे उनकी हालिया फिल्मों के दूसरे हिस्से पर ज़्यादा जो आश्चर्य हुआ इसमें उन्होंने एक नासमझ कठोर पिता की भूमिका निभाई है फिर जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जिसमें एक प्यार करने वाला परिवार की अब पूरी चीजें शामिल है जो कि उसकी दुनिया के केंद्र में है उन्होंने देवश्याम फिल्म देर फिल्मों में और फिवाए दो हज़ार सोलह में ऐसा ही किया है विकास बहल की में अजय देवगन के अंदर का राक्षस उनके अंदर के पिता से मेल खाता है दोस्तों उनकी फिल्मों के बारे में इतना ज्यादा इसलिए बता इतना ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है इस यानी कि टॉर्चर पौनों में बहुत भी कुछ रखी गई जो कि अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में सेट किए गए चरित्र पर टिके हुए हैं और एक यहाँ पे समझौतावादी जो है पिता है जो कि अपनी बेटी के जीवन और फिर सम्मान के लिए लड़ते हैं इस तरह से शैतान के साथ जो खौफ और झिझक जो आती है वह इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्म और फिर इसकी पदकथा में जो यहाँ पे परिस्थितियाँ मौजूद है वह वास्तव में वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो है व्यवहार है वह परिस्थितियाँ प्रतिक्रिया टेम्पलेट के उत्पाद के रूप में काम करते हैं जो कि यहाँ पे विकृत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और फिर जो है बंधक नाटक और फिर हमेशा पेश करते हैं विकास की फिल्म इन जो है दोनों उप शैलियों को लिया जाता है और फिर इसे जो है अलौकिकता के अति रेख में जो है फेंक दिया जाता है और यही वह चीज़ है जो कि अंतिम उत्पाद को इतना बेकार बना देता है कहीं ना कहीं दोस्तों बता दे पहाड़ियों में एक परिवार के यहाँ पे सुदूर जो है फार्म हाउस में एक बीन यानी कि बुलाए मेहमान के दर आ जाता आर माधन पर्याप्त रूप से परेशान करने वाला नहीं है उसे एक उसे एक यानी कि वशीकरण के साथ मिलकर और फिर जो विशेषज्ञ होने की आवश्यकताएं हैं जिसके तरीके विज्ञान की समझ से परे हैं और क्या हम वास्तव में अभी भी ऐसा कर सकते हैं और जिसका लक्ष्य जो है किशोर लड़कियों को सम्मोहित करने और उनका अपहरण करने और उन्हें और उन्हें जौहर शैली की बलि के लिए इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है ताकि जो है पत, ताकि जो है पताल की बागडोर उसके हाथों में आ जाए कई भारतीय बच्चों को ये कहते हुए बड़ा किया जाता है कि वह अज़नबियों से कह दी या फिर जो ट्रीट न ले और इसी तरह ये शैतान जो है यहाँ पे पीरत और फिर अजय देवगन की बेटी जानवी यानी कि जानकी बोधी वाला पर जो है नियंत्रण किया जाता है इसी तरह से अब इस कहानी में इस पागल घुसपैठियों के किरदार के लिए माधवन शरारती किरदारों के लिए अपनी जो है प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं परिवार के आपसी संबंधों में खुद को जो है शामिल करना और फिर उसके तुरंत बाद जो है उनके घर में घुस जाना किसी तरह की महारत लग सकता है लेकिन ये भी स्क्रीन पर जो है अनगिनत बार जो है किया गया है और मेरे पसंदीदा है क्योंकि द किलिंग ऑफ यानी कि ए सिक्रेट डियर और फिर फ्यजियो फनी गेम्स इन द वेस्ट और कौन और फिर जो रोड क्लोजर में भी दिखाया गया था अजय देवगन अभिनीत कई फिल्मों में जो चीज़ जो है उबाऊ लगती है और बल्कि घिनौनी लगती है और यहाँ पे क्रूरता या फिर जो यातना और युवा महिलाओं की यौन जो है भेदता पर निर्भरता किया गया है मानसिक रूप से बता दे बीमार घुसपैठिए सही जो है सभी को पिता सभी को पीटा जाता है और फिर यदि आप जो इसके अनुश्यक जो है भारीपन से बचने के लिए जपते हैं तो अपनी जो आंखें बंद कर लेते हैं तो यहाँ पे फिल्म जो है सुनिश्चित करती है कि आवाज़ यहाँ पे आपके कानों तक पहुँचे वहीं प्रति पक्षी अपने जो है विषय को अपना अपने आठ वर्षीय भाई के सिर को एक तेज धार वाले रैंगिंग पर जो है यहाँ पे पटकने का आदेश देती है और फिर जो है लापरवाही से उससे कहती है कि वह अपने जो है चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि यहाँ पे पोर्ज पर जो है खड़े उसके माता पिता ये सुन सके फिर उनके सिर नीचे झुक जाते हैं और फिर उनकी आंखें लाल हो जाती है इसके अलावा कुछ तत्वों में कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है लगातार वही इस फिल्म की एंड में वैसे जब इस फिल्म की बात आती है तो ये सब जो सिर्फ यानी किम शैली का सिरा हिम सिरा है ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सही संदेश की कीमत पर भी अस्थिर होने की उम्मीद में कदम रखा था चौका देने वाले दृश्य है फिल्म में जैसे कि जब कबीर और फिर जेवती जेवती का वनराज के नकली नकली जो प्रस्थान के बाद प्रस्थान के बाद भी जानवी को सतबद्ध पाते हैं और यहाँ पे दर्शक उसे जो है दर्शक उसे नकदी और फिर जो आभूषण से भरे जो है बैग के सामने हाथ जोड़कर कर खड़े देखते हैं जिससे जो उसने आग लगा दी है अपने आप में भयानक है लेकिन जब वो अपना जो यहाँ पे मुंह खोलता है तो लेखक यहाँ पे आमिल कियान खान जिन्होंने पहले जो है में चौंतीस और फिर जो देवशम टू में अजय देवन के साथ काम किया हुआ है बस इतना ही वो कह सकते हैं कि तुम्हें जो है लगा कि तुम मुझे पैसों से खरीद दो लोगे और फिर वनराज अपनी जो है भयानक जो है कुर्बानी के लिए उनकी बेटी को हासिल करने की अपनी जो है भव्य योजना का खुलासा करता है इसके बाद दोस्तों क्लाइमेक्स का अनुमान लगाया जा सकता है और अगर आप इसकी जो है कमजोरी को नज़रअंदाज करना भी चाहे तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बलिदान वाला दृश्य और फिर मात का तांत्रिक मेकअप आपको ऐसा करने नहीं देगा अंतिम दृश्य जिसे जो है फिल्म की आत्मा प्रशंसा करने वाली आत्मा और फिर जो है चेतना जंगल में यहाँ पे सड़ते हुए जो है सरते हुए चूहे के साथ शुरुआत होता है जो कि दृश्य इसमें दिखाया गया है अंत तक उस यहाँ पे गांड को भी ढीला कर दिया जाता है जिससे आपको ऐसी फिल्में देखने के बाद जो है अपने पेट में जो है महसूस करना चाहिए और साथ ही क्या मैं से भी एफ से जो है अनुरोध कर सकता हूँ कि वह निर्माताओं को ऐसी फिल्मों के लिए ये फिल्म जो है काले जादू को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जैसे कि अशुभ कारणों से बचने की अनुमति दिया जाता है फिल्म के अंदर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू कर दिया अजय देवगन की मस्ट फेवेटेड फिल्म को जिसका नाम है शैतान जिसमें अजय देवगन ने काफी अच्छी परफॉर्म की है और इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कारोबार किया है बॉक्स ऑफिस पे अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक एंड सी यू सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक के मोवी फेट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सैतान तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैतान फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है सैतान फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग सुपर अजय देवगन के फैन हो और शैतान फिल्म को यूटूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है चलिए अब बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सैदान फिल्म के बारे में सबसे पहले बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 8 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था वहीं इस फिल्म के रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो शैतान फिल्म को बनाने में 60 से लेकर पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है और इसके साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है वही इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो कि तब मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उनकी बेटी एक अजनबी द्वारा डाले गए काले जादू के प्रभाव में आ जाती है और फिर वो उस अजनबी के इरादों का पता लगाने और उस पर जादू रोकने का प्रयास करते हैं उसके पूरे घर वाले इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में ही की गई थी और फिर प्रमुख फोटोग्राफी जून से सितंबर 2023 के बीच देहरादून और लंदन में शुरू हुई थी दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो शैतान फिल्म के संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है जबकि छायांकन और संपादन सुधाकर रेड्डी सर ने तैयार किया है शैतान फिल्म को सीधे 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी रिलीज होने पर जो की अनुमानित इस फिल्म को बनाने में साठ से पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और इसके मुकाबले इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है वही दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म साल 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है वही 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर फिल्म में से इसको एक मानी जा रही है बात करें इस फिल्म के उत्पादन और ढलान के बारे में तो दोस्तों फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म 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 यानी 2023 2023 में रिलीज हुई फिल्म का ही रीमेक रीमेक है फिल्म 2023 के हिंदी रिमेक की घोषणा मई 2023 में ही की गई थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में होंगे बताया गया था जिसका निर्देशन विकास बहाल करेंगे ये भी जानकारी दी गई थी जबकि आधिकारिक शीर्षक जो है शैतान की पुष्टि जनवरी 2024 में ही कर दी गई थी इसी के साथ आर माधवन को प्रतिपक्षी और जीविता को देवगन की पत्नी के रूप में लिया गया था जो कि डम 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 2009 इसके अलावा प्रिया मना थोजी 2003 और इसके अलावा मगलिर मटूम 2017 के बाद उनका चौथा सहयोग था इनके साथ साथ ही जयोतिका की पच्चीस साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी हुई है वही बच्चों की भूमिका निभाने के लिए जानकी बोधिवाला और फिर अंगद राज को साइन किया गया था जिसमें बोधिवाला ने ओवश से अपनी भूमिका को दोहराया है वही दोस्तों फिल्म की शूटिंग लंदन मुंबई और मसूरी में की गई है खास तौर पर फिल्मांकन जो 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चला था फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी सर ने तैयार किया है और गीत कुमार ने लिखे हैं। आपको बता दें पहला सिंगल जिसका शीर्षक जो है खुशिया बटोर लो ये पंद्रह फरवरी दो को रिलीज किया गया था यूरोप के ऊपर अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म को क्रिटिक्स ने कितना रिस्पॉन्स रेटिंग दिया है वही समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेंट टोमेंटोज पर पंद्रह आलोचकों की समीक्षाओं में से चालीस परसेंट चालीस परसेंट सकारात्मक समीक्षाएं मिली हुई है जिनकी औसत रेटिंग दस में से फाइव पॉइंट थ्री निकलकर आ जाती है यही दोस्तों इसके बाद इस फिल्म को बॉलीवुड हंगामा की तरफ से फाइव में से फोर स्टार रेटिंग दिया गया है और लिखा गया है इनके तरफ से चैतान एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बेहतरीन अभिनय और ताली बजाने लायक -like क्लाइमैक्स फिट किया गया है जो आपको रखती है पूरी फिल्म में टाइम इंडिया तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है भले ही शैतान की कहानी कई बार लड़खड़ाती हो लेकिन माहौल का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर बेहतरीन अभिनय इसे एक बेचैन कर देने वाला अनुभव में बदल देता है इंडिया टूडे की तरफ से साना फ़र्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव दिया है इन्होंने लिखा है शैतान कमज़ोर पड़ जाती है तब जब शायद जो है कमज़ोर स्क्रिप्ट और फिर रीमेक बनाने के दबाव के कारण जो है इस फिल्म को थोड़ा सा खींचा गया है अब इसके बाद फर्स्ट पोस्ट की तरफ से लक्ष्मी देव देवरोए ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और कहा शैतान एक अच्छी अलौकिक थ्रिलर हो सकती थी इसे हमने जो है हाल ही में हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं देखा है लेकिन ये अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध को दर्शाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से गड़बड़ साबित हुई और ये खास कर और ये खराब तरीक़ों से बनाई गई और रिमेक फिल्म है और कहानी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है अंत में नायक को जीत दिलाना फिल्म को बहुत ही ज़्यादा जो पूर्वानुमानित बना देता है इसके साथ ही एन डी की तरफ से शैबुल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से वन स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और लिखा है जीवतिका कलाकारों में एक मात्रा ऐसी है जो कि कार्यवाही की जो है सरासर और मूर्खता से थोड़ा सा ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है दो पुरुष किरदार और फिर उन्हें जो है निभाने वाले अभिनेता कोई मौका नहीं देते हैं बॉक्स छबिस पर भी फिल्म ने काफ़ी सॉलिड कमाई कर ली है अब आइए दोस्तों बात करते हैं शैतान फिल्म के के की कहानी के बारे में कि फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी चार्टर अकाउंटेंट कबीर ऋषि और फिर उनकी पत्नी जयोति अपने बच्चों जानवी और दुर्वा के साथ उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं वहीं एक दूर वहीं एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते कुछ समय बिताने जाते जहाँ पे वनराज कैश्यप नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से वो मिलते हैं फिर वहाँ पे वनराज जानवी को उसके उसके पराठे के बदले में एक लड्डू खिलाता है लड्डू खाने के बाद ही जानवी जो है कतपुतली की तरह उसकी हर आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर देती है मंदराज बाद में फिर से जो है जानवी को बिस्किट का एक पैकेट देता है जब वह कार में होती है और फिर उसे जो है फार्म हाउस पहुँचने के बाद इसे खाने के लिए कहते हैं वही कबीर और उसका परिवार जो है फार्म हाउस के पुल में आनंद लेने लगते हैं जयोति अपना गीला फ़ोन सुखाने के लिए चावल के डिब्बे में रख देती है और फिर जो है छत पर पहुंच जाती है उसने वनराज को फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा पाया जानवी वनराज को अंदर आने देती है और वह दावा करता है कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है इसके बाद उसकी उपस्थिति से परिवार यहाँ पर स्थिर हो जाता है और जेवती और जेवती कबीर से वनराज को घर से बाहर भेजने के लिए भी कहती है लेकिन वनराज यहाँ पे जानवी से उसके बॉयफ्रेंड और फिर कॉलेज के बारे में बात करना शुरू कर देता है ध्रुआ जान्हबी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है फिर वनराज वह ध्रुव से परेशान हो जाता है और जानवी से झूले पर ध्रुव को धमकाने के लिए भी कहता है जानवी ध्रुव के साथ बहुत ऊंचा झुलाती है जिससे जो है ध्रुव डर जाता है और फिर मदद की गुहार लगाना स्टार्ट कर देता है इस कहानी में आगे जीवती और फिर कबीर वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद दोस्तों कबीर जानवी से घटना को भूल जाने के लिए कहता है कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के साथ क्या क्या है और फिर वनराज बताता है कि उसने काले जादू के जरिए उसे सम्मोहित कर लिया है अपने बस में कर लिया है और वह उसके हर आदेश का पालन करेगी बताता है वनराज जानवी को लगातार खड़े रहने और फिर बैठने का आदेश देता रहता है और वह उसका पालन करती रहती है वनराज जानवी को सभी फ़ोन टेलीफोन लाइन तोड़ने का भी आदेश दे देता है और जानवी को अजीब और फिर क्रूर चीज़ें करने के लिए भी निर्देशित करके परिवार को परेशान करता है वंदराज जानवी को सुखी चाय की पत्तियां खाने का आदेश देता है और फिर ऐसा करती है कबीर जानवी को रोकता भी है और फिर वह वंदराज के आदेश पर अपने पिता को थप्पड़ मारती है इस तरह से कहानी में बहुत कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है वनराज तो कबीर और फिर देवती से जानवी को उसे सौंपने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए थी जब वह मना करता है तो वनराज जानवी को मार है। है। को देता है और कबीर उस पर हमला करता है वनराज जानवी को ध्रुव का सिर तोड़ने का आदेश देता है और वह ऐसा ही करती है बाद में सेवती चावल के डिब्बे में रखे फोन से पुलिस को फोन करती है रखे फोन से पुलिस जो है हेली फोन करती है पुलिस जो पाइप पर कॉल उठाते हैं और पुलिस जो है फॉर्म हाउस पर पहुंच जाती है दरवाजे पर पुलिस को देखकर वनराज जानवी को गैस सिलेंडर चालू करने और फिर जो है माचिस जो है पकड़कर उस पर जो है बैठने का आदेश दे देता है फिर वह कबीर और फिर ज्योति को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह जाह्नवी को माचिस जलाकर जो है खुदकुशी करने का आदेश दे, दे देगा परिवार पुलिस के साथ सामान्य व्यवहार करती आने पर और पुलिस आखिरकार वहाँ से चली जाती है वही कबीर उन्हें जो है बखसने के बदले में वही कबीर उन्हें बकसने के बदले में पैसे देता है वराज सहमत हो जाता है और घर छोड़ देता है लेकिन पैसों को आग लगा देता है ये घोषणा करते हुए कि उसके लिए भौतिकवादी चीजों का कोई भी उपयोग नहीं है वो खुद को एक एक राक्षस बताता है जिसका उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना है खुद को भगवान के समान अच्छा मानता है और वह जान्नवी को लगातार जो है खुद को थप्पड़ मारने का आदेश देता है और फिर उसे उसके लिए नृत्य करने का आदेश रचता है जानवी एक घंटे से अधिक समय तक नृत्य करती रहती है वनराज जानवी को चाकू लाने का आदेश देता है और फिर वह फिर वह सो वह सो जाता है जानवी को निर्देश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे जब उसके पिता वनराज का फोन चुराने की कोशिश करते हैं जानवी उसे मना करने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए अपने शॉट में अपने शॉट में पेशाव कर देती है ताकि उसे उसे चाकू न मारना पड़े वनराज जाग जाता है और ये देखकर जो है बहुत निराश हो जाता है पर्याप्त तो होने के बाद ज्योति आखिरकार जो है जानवी से चाकू छीन लेते हैं और फिर वन पर जो हमला किया जाता है बाद में कबीर जानवी को साड़ियों पर बांध देता है और फिर जो है वन पर हमला करना शुरू कर देते हैं वनराज जानवी को खुद को जो है हंसने के लिए मारने का आदेश दे देता है और फिर जो है बताते हैं कि भले ही वह मारा गया हो जानवी अपनी नृत्य जानवी अपनी मृत्यु तक उसके अंतिम जो आदेशों का पालन करना जारी रखेगी ये कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है फिर वनराज जो है जानवी को अपने भाई को मारने का निर्देश देता है कबीर और फिर ज्योति ने जानवी को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया इसके बाद कहानी में ये महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं कबीर और ज्योति वनराज को जानवी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं वनराज जानवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ज्योति धुर्वा को अस्पताल में लेकर जाती है जबकि जो वनराज को पता नहीं होता कि कबीर उसे अपने ठिकाने तक ले जा रहा है उसने पहले ही अपने जो सेल फोन में एक ट्रेकर लगा दिया है और ये पता चलता है कि अनुराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित करके रखा है जानवी को अंतिम सदस्य के रूप में शामिल करके वह उन्हें अग्नि में बलि देने का बलि देने के कार्य की, की पूरी तैयारी कर लिया है वह सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाला ही होता है तभी प्रत्येक काली जो है गुड़िया पर जो है आग के करीब आने का आदेश दिया जाता है एक बार जब वो अंतिम जो है लालयन की गुड़िया फेंक देता है तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी इससे उसकी जो है इच्छा के अनुसार किसी को भी नियंत्रित करने, करने की शक्ति प्राप्त करने की रस्म पूरी हो जाएगी क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता इच्छा के लायक नहीं है कबीर वनराज का पीछा करता रहता है और वहाँ पहुँच जाता है लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और फिर रस्म पूरी करने की रस्म पूरी करने ही वाला होता है फिर कबीर जो है वनराज पर जो है जलाऊ लड़की से हमला करवाता है और अंत में जो है अंतिम लाल गुड़िया से वनराज की जीभ काट लेता है वनराज लड़कियों को कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है और जब जो है यहाँ पे आशय होता है तो जब लड़कियाँ कबीर को मारने की कोशिश करती है तो वह वंदराज की आवाज़ की संपादित रिकॉर्डिंग बजाता है जिसमें वह उनकी जो है आजादी की घोषणा करता है इससे पहले कबीर ने घर के जो है सिक्योरिटी कैमरे से वंदराज की रिकॉर्डिंग ली थी जिसमें वह जानवी से कह रहा था कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उसे छोड़ दे कबीर ने अपने शब्द को इस तरह से जोड़ा कि ऐसा लगे कि वंदराज लड़कियों को सामान्य होने का आदेश दे रहा है इस तरह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियाँ उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती है जैसे ही कबीर और फिर उसका परिवार जो है अस्पताल में ठीक हो जाते हैं वनराज की जो है यहाँ पे बंधक लड़कियों को पुलिस द्वारा पुलिस पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से उनके घर वापस भेज दिया जाता है जो कि कबीर को सूचित किया जाता है कि वनराज लापता हो गया है इसके बाद दोस्तों एक साल बाद कबीर को एक अलग कमरे में जाते हुए देखा जाता है जहाँ पे उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है और वह वनराज का मजाक उड़ाता है जो अब जो है बोल नहीं सकता और उसे जो है सत्ता की चाह है और वो कहता है कि असली ताकत जो है माता पिता असली ताकत माता पिता से अति कोई नहीं हो सकता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वह घोषणा करता है कि ये अब नरक है तुम्हारे लिए और वनराज का शैतान और वनराज का शैतान ही है फिर वह वनराज से कहता है कि अगले दिन फिर मिलेंगे और वहाँ से वो चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है वही दोस्तों इस फिल्म की मूवी रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अक्सर अजय देवगन की कहानियों और ट्रीटमेंट के लिए अंतहीन भूख पर जो आश्चर्य चर्कित किया जाता है और उन्हें उन्हें अपरिहार्य और फिर मुक्ति दाता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह एक खास तरह के अल्ट्रा मर्दाना और अडिग नायक की भूमिका निभा सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आदर्शों और फिर जो कथिक रूप से प्यारे जो भोलेपन से बहुत अधिक ग्रस्त है जिसकी भरपाई जो है ताकत और फिर जो है सुसंत कृत और सहजता है और यानी कि उग्र और स्वभाव की जो है स्वभाव की जानी चाहिए और इस जो है मामलों में यहाँ पे गंगा जल दो हजार तीन इसके फ्रेंचाइजी और फिर रेड फिल्म दो आप लोग देख सकते हो इस तरह से मुझे उनकी हालिया फिल्मों के दूसरे हिस्से पर ज्यादा जो आश्चर्य हुआ इसमें उन्होंने एक नासमझ कठोर पिता की भूमिका निभाई है फिर जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जिसमें एक प्यार करने वाला परिवार की अब पूरी चीज़ें शामिल है जो कि उसकी दुनिया के केंद्र में है उन्होंने देवश्याम फिल्म देर फिल्मों में और फेट हुए सिवाय दो में ऐसा ही किया है विकास बहल की में अजय देवगन के अंदर का राक्षस उनके अंदर के पिता से मेल खाता है दोस्तों उनकी फिल्मों के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बता इतना ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है इस यानि की टॉर्चर पौनों में बहुत जो कुछ रखी गई जो कि अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में सेट किए गए चरित्र पर टिके हुए हैं और एक यहाँ पे समझौतावादी जो है पिता है जो कि अपनी बेटी के जीवन और फिर सम्मान के लिए लड़ते हैं इस तरह से शैतान के साथ जो खौफ और झिझक जो आती है वह इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्म और फिर इसकी पदकथा में जो यहाँ परिस्थितियाँ मौजूद है वह वा वास्तव में वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो है व्यवहार है वह परिस्थितियाँ प्रतिक्रिया टेम्पलेट के उत्पाद के रूप में काम करते हैं जो कि यहाँ पे विकृत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और फिर जो है बंधक नाटक और फिर हमेशा पेश करते हैं विकास की फिल्म इन जो है दोनों उप शैलियों को लिया जाता है और फिर इसे जो है अलौकिकता के अति रेख में जो है फेंक दिया जाता है और यही वह चीज़ है जो कि अंतिम उत्पाद को इतना बेकार बना देता है कहीं ना कहीं दोस्तों बता दे पहाड़ियों में एक के परिवार के यहाँ पे सुदूर जो है फार्म हाउस में एक बीन यानी कि बुलाए मेहमान के दौरान पर्याप्त रूप से परेशान करने वाला नहीं है उसे एक उसे एक यानी कि वशीकरण के साथ मिलकर और फिर जो विशेषज्ञ होने की आवश्यकताएं है जिसके तरीके विज्ञान की समझ से परे हैं और क्या हम वास्तव में अभी भी ऐसा कर सकते हैं और जिसका लक्ष्य जो है किशोर लड़कियों को सम्मोहित करने और उनका अपहरण करने और उन्हें और उन्हें जौहर शैली की बलि के लिए इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है ताकि जो है पत, ताकि जो है पताल की बागडोर उसके हाथों में आ जाए कई भारतीय बच्चों को ये कहते हुए बड़ा किया जाता है कि वह अज़नबियों से कह या फिर जो ट्रीट न ले और इसी तरह ये शैतान जो है यहाँ पे पीरत और फिर अजय देवगन की बेटी जानवी यानी कि जानकी पोधी वाला पर जो है नियंत्रण किया जाता है इसी तरह से अब इस कहानी में इस पागल घुसपैठियों के किरदार के लिए माधवन शरारती किरदारों के लिए अपनी जो है प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं परिवार के आपसी संबंधों में खुद को जो है शामिल करना और फिर उसके तुरंत बाद जो है उनके घर में घुस जाना किसी तरह की महारत लग सकता है लेकिन ये भी स्क्रीन पर जो है अनगिनत बार जो है किया गया है और मेरे पसंदीदा है क्योंकि द किलिंग ऑफ यानी कि ए सिक्रेट डियर और फिर फ्यजुआ फनी गेम्स इन द वेस्ट और कौन और फिर जो रोड क्लोजर में भी दिखाया गया था अजय देवन अभिनीत कई फिल्मों में जो चीज़ जो है उबाऊ लगती है और बल्कि घिनौनी लगती है और यहाँ पे क्रूरता या फिर जो यातना और युवा महिलाओं की यौन जो है भेदता पर निर्भरता किया गया है मानसिक रूप से बता दें बीमार घुसपैठिए शहीद जो है सभी को पिता सभी को पीटा जाता है और फिर यदि आप जो इसके अनुश्यक जो है और भारीपन से बचने के लिए जबते हैं तो अपनी जो आंखें बंद कर लेते हैं तो यहाँ पे फिल्म जो सुनिश्चित करती है कि आवाज़ यहाँ पे आपके कानों तक पहुंचे वहीं प्रति पक्षी अपने जो है विषय को अपना अपने आठ वर्षीय भाई के सिर को एक तेज धार वाले रेंगिंग पर जो है यहाँ पे पटकने का आदेश देती है और फिर जो है लापरवाही से उससे कहती है कि वह अपने जो है चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि यहाँ पे पोच पर जो है खड़े उसके माता पिता ये सुन सके फिर उनके सिर नीचे झुक जाते हैं और फिर उनकी आंखें लाल हो जाती है इसके अलावा कुछ तत्वों में कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है लगातार वही इस फिल्म की एंड में वैसे जब इस फिल्म की बात आती है तो ये सब जो सिर्फ यानी कि हिम शैली का सिरा हिम शैली का सिरा है ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सही संदेश की कीमत पर भी अस्थिर होने की उम्मीद में कदम रखा था चौंका देने वाले दृश्य से फिल्म में जैसे कि जब कबीर और फिर जेवती जेवती का वनराज के नकली नकली जो प्रस्थान के बाद प्रस्थान के बाद भी जानवी को सतबद्ध पाते हैं और यहाँ पे दर्शक उसे जो है दर्शक उसे नकदी और फिर जो आभूषण से भरे जो है बैग के सामने हाथ जोड़ कर खड़े देखते हैं जिससे जो उसने आग लगा दी है अपने आप में भयानक है लेकिन जब वो अपना जो यहाँ पे मुंह खोलता है तो लेखक यहाँ पे आमिल कियान खान जिन्होंने पहले जो है रणवीर चौतीस और फिर जो देवशम टू में अजय देवन के साथ काम किया हुआ है बस इतना ही वो कह सकते हैं कि तुम्हें जो है लगा कि तुम मुझे पैसों से खरीद दो लोगे और फिर वनराज अपनी जो है भयानक जो है कुर्बानी के लिए उनकी बेटी को हासिल करने की अपनी जो है भव्य योजना का खुलासा करता है इसके बाद दोस्तों क्लाइमेक्स का अनुमान लगाया जा सकता है और अगर आप इसकी जो है कमज़ोरी को नज़रअंदाज करना भी चाहे तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बलिदान वाला दृश्य और फिर मातुर का तांत्रिक मेकअप आपको ऐसा करने नहीं देगा अंतिम दृश्य जिसे जो है फिल्म की आत्मा प्रशंसा करने वाली आत्मा और फिर जो है चेतना जंगल में यहाँ पे सड़ते हुए जो है सरते हुए, हुए चूहे के साथ शुरुआत होता है जो कि दृश्य इसमें दिखाया गया है अंत तक उस यहाँ पे गांड को भी ढीला कर दिया जाता है जिससे आपको ऐसी फिल्में देखने के बाद जो है अपने पेट में जो है महसूस करना चाहिए और साथ ही क्या मैं सी बी एफ एस सी से जो है अनुरोध कर सकता हूँ कि वह निर्माताओं को ऐसी फिल्मों के लिए ये फिल्म जो है काले जादू को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जैसे कि अशुभ कारणों से बचने की अनुमति दिया जाता है फिल्म के अंदर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू कर दिया अजय देवगन की मस्ट फेवरेटेड फिल्म को जिसका नाम है शैतान जिसमें अजय देवगन ने काफी अच्छी परफॉर्म की है और इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक कारोबार किया है बॉक्स ऑफिस पे अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है उम्मीद करता हैं वाच का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एके मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सैतान तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैतान फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है शैतान फिल्म साल 2024 में रिलीज़ हुई है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको अभी कौन सा चैनल पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग सुपर अजय देवगन के फैन हो और शैतान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है चलिए अब बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही मई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सैदान फिल्म के बारे में सबसे पहले बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 8 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था वही इस फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो शैतान फिल्म को बनाने में 60 से लेकर पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है और इसे साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है वही इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो कि तब मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उनकी बेटी एक अजनबी द्वारा डाले गए काले जादू के परवाह में आ जाती है और फिर वो उस अजनबी के इरादों का पता लगाने और उस पर जादू रोकने का प्रयास करते हैं उसके पूरे घर वाले इसी साथ दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में ही की गई थी और फिर प्रमुख फोटोग्राफी जून से सितंबर 2023 के बीच देहरादून और लंदन में शुरू हुई थी दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो शैतान फिल्म के संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है जबकि छायांकन और संपादन सुधाकर रेड्डी सर ने तैयार किया है शैतान फिल्म को सीधे 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी रिलीज होने पर जो तो कि अनुमानित इस फिल्म को बनाने में साठ से पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और इसके मुकाबले इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है वही दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म साल 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है वही 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर फिल्म में से इसको एक मानी जा रही है बात करें इस फिल्म के उत्पादन और ढलान के बारे में तो दोस्तों फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म यानी वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म का ही मूवी रिमेक है वर्ष फिल्म 2023 के हिंदी रिमेक की घोषणा मई 2023 में ही की गई थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में होंगे बताया गया था जिसका निर्देशन विकास बहाल करेंगे ये भी जानकारी दी गई थी जबकि आधिकारिक शीर्षक जो है शैतान की पुष्टि जनवरी 2024 में ही कर दी गई थी इसी के साथ आर माधवन को प्रतिपक्षी और जीवतिका को देवगन की पत्नी के रूप में लिया गया था जो कि डम 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 2009 इसके अलावा प्रिया मना थोजी 2003 और इसके अलावा मगलीर मटुम 2017 के बाद उनका चौथा सहयोग था इनके साथ साथ ही जयोतिका की 25 साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी हुई है वही बच्चों की भूमिका निभाने के लिए जानकी बोधी और फिर अंगद राज को साइन किया गया था जिसमें बोधीवाला ने ओवस से अपनी भूमिका को दोहराया है वहीं दोस्तों फिल्म की शूटिंग लंदन मुंबई और मसूरी में और की गई है खास तौर पर और फिल्मांकन जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चला था फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी सर ने तैयार किया है और गीत कुमार ने लिखे हैं आपको बता दें पहला सिंगल जिसका शीर्षक जो है खुशिया बटोर लो ये पंद्रह फरवरी दो को रिलीज किया गया था यूरोप के ऊपर अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म को क्रिटिक्स ने कितना रिस्पॉन्स रेटिंग दिया है वही समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रोट एंड पर पंद्रह आलोचकों की समीक्षाओं में से चालीस परसेंट 40 को हंगामा से, में से रेटिंग दिया गया है और लिखा गया है इनके तरफ से चैतान एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बेहतरीन अभिनय और ताली बजाने लायक क्लाइमैक्स फिट किया गया है जो आपको बाधे रखती है पूरी फिल्म में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है भले ही शैतान की कहानी कई बार लड़खड़ाती हो लेकिन माहौल का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर बेहतरीन अभिनय इसे एक बेचैन कर देने वाला अनुभव में बदल देता है इंडिया टूडे की तरफ से साना फर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव इस्टार दिया है इन्होंने लिखा है शैतान कमज़ोर पड़ जाती है तब जब शायद जो है कमज़ोर स्क्रिप्ट और फिर रीमेक बनाने के दबाव के कारण जो है इस फिल्म को थोड़ा सा खींचा गया है अब इसके बाद फर्स्ट पोस्ट की तरफ से लक्ष्मी देव देवरोए ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और कहा शैतान एक अच्छी अलौकिक थ्रिलर हो सकती थी इसे हमने जो है हाल ही में हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं देखा है लेकिन ये अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध को दर्शाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से गड़बड़ साबित हुई और ये खास कर और ये खराब तरीकों से बनाई गई और रीमेक फिल्म है और कहानी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है अंत में नायक को जीत दिलाना फिल्म को बहुत ही ज़्यादा जो पूर्वानुमानित बना देता है इसके साथ ही एन टीवी की तरफ से शैबुल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और लिखा है का कलाकारों में एक मात्रा ऐसी है जो कि कार्यवाही की जो है सरासर और मूर्खता से थोड़ा सा ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है दो पुरुष किरदार और फिर उन्हें जो है निभाने वाले अभिनेता कोई मौका नहीं देते हैं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने काफी सॉलिड कमाई कर ली है अब आइए दोस्तों बात करते हैं शैतान फिल्म की कहानी के बारे में की, फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी चार्टर अकाउंटेंट कबीर ऋषि और फिर उनकी पत्नी जयोति अपने बच्चों जानवी और दर्वा के साथ उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं वही एक दूर वही एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते कुछ समय बिताने जाते जहाँ पे वनराज कैशव नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से ओ मिलते हैं फिर वहाँ पे वनराज जानवी को उसके उसके पराठे के बदले में एक लड्डू खिलाता है लड्डू खाने के बाद ही जानवी जो है कठपुतली की तरह उसकी हर आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर देती है वनराज बाद में फिर से जो है जानवी को बिस्किट का एक पैकेट देता है जब वह कार में होती है और फिर उसे फार्म हाउस पहुंचने के बाद इसे खाने के लिए कहते हैं वहीं कबीर और उसका परिवार जो है फार्म हाउस के पुल में आनंद लेने लगते हैं जयोति अपना गीला फोन सुखाने के लिए चावल के डिब्बे में रख देती है और फिर जो है छत पर पहुंच जाती है उसने वनराज को फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा पाया जानवी वनराज को अंदर आने देती है और वह दावा करता है कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है इसके बाद उसकी उपस्थिति से परिवार यहाँ पर स्थिर हो जाता है और जेवती और जेवती कबीर से वनराज को घर से बाहर भेजने के लिए भी कहती है लेकिन वनराज यहाँ पे जानवी से उसके बॉयफ्रेंड और फिर कॉलेज के बारे में बात करना शुरू कर देता है ध्रुआ जानवी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है फिर वनराज वह ध्रुव से परेशान हो जाता है और जानवी से झूले पर ध्रुव को धमकाने के लिए भी कहता है जानवी ध्रुव के साथ बहुत ऊंचा झुलाती है जिससे जो है ध्रुव डर जाता है और फिर मदद की गुहार लगाना स्टार्ट कर देता है इस कहानी में आगे जीवती और फिर कबीर वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद दोस्तों कबीर जानवी से घटना को भूल जाने के लिए कहता है कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के साथ क्या क्या है और फिर वनराज बताता है कि उसने काले जादू के जरिए उसे सम्मोहित कर लिया है अपने बस में कर लिया है और वह उसके हर आदेश का पालन करेगी बताता है वनराज जानवी को लगातार खड़े रहने और फिर बैठने का आदेश देता रहता है और वह उसका पालन करती रहती है वनराज जानवी को सभी फ़ोन टेलीफोन लाइन तोड़ने का भी आदेश दे देता है और जानवी को अजीब और फिर क्रूर चीज़ें करने के लिए भी निर्देशित करके परिवार को परेशान करता है वनराज जान्हवी को सुखी चाय की पतियाँ खाने का आदेश देता है और फिर ऐसा करती है कबीर जानवी को रोकता भी है और फिर वह वनराज के आदेश पर अपने पिता को थप्पड़ मारती है इस तरह से कहानी में बहुत कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है वनराज कबीर और फिर देवती से जानवी को उसे सौंपने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए थी जब वह मना करता है तो वनराज जानवी को मार देता है और कबीर उस पर हमला करता है वनराज चाहवी को ध्रुव का सिर तोड़ने का आदेश देता है और वह ऐसा ही करती है बाद में सेवती चावल के डिब्बे में रखे फोन से पुलिस को फोन करती है रखे फोन से पुलिस जो है फोन करती है पुलिस जो हैल पाइप पर कॉल उठाते हैं और पुलिस जो है फॉर्म हाउस पर पहुंच जाती है दरवाजे पर पुलिस को देखकर कर वनराज शां्नवी को गैस सिलेंडर चालू करने और फिर है जो है माचिस जो है पकड़कर उस पर जो है बैठने का आदेश दे देता है फिर वह कबीर और फिर जेवती को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह जानवी को माचिस जलाकर जो है खुदकुशी करने का आदेश दे देगा परिवार पुलिस के साथ है सामान्य व्यवहार करती आने पर और पुलिस आखिरकार वहां से चली जाती है वही कबीर उन्हें जो है बखसने के बदले में वही कबीर उन्हें बकसने के बदले में पैसे देता है वजराज सहमत हो जाता है और घर छोड़ देता है लेकिन पैसों को आग लगा देता है ये घोषणा करते हुए कि उसके लिए भौतिकवादी चीज़ों का कोई भी उपयोग नहीं है वो खुद को एक एक राक्षस बताता है जिसका उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना है खुद को भगवान के समान अच्छा मानता है और वह जानवी को लगातार जो है खुद को थप्पड़ मारने का आदेश देता है और फिर उसे उसके लिए नृत्य करने का आदेश रचता है जानवी एक घंटे से अधिक समय तक नृत्य करती रहती है वह नाज को चाकू लाने का आदेश देता है और फिर वह फिर वह सो वह सो जाता है जानवी को निर्देश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे जब उसके पिता वनराज का फ़ोन चुराने की कोशिश करते हैं जानवी उसे मना करने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए अपने शॉट में अपने शॉट में पेशाब कर देती है ताकि उसे उसे चाकू ना मारना पड़े वनराज जाग जाता है और ये देखकर जो है बहुत निराश हो जाता है पर्याप्त तो होने के बाद जेवती आखिरकार जो है जानवी से चाकू छीन लेते हैं और फिर वनराज पर जो हमला किया जाता है बाद में कबीर जानवी को साड़ियों पर बांध देता है और फिर जो है वनराज पर हमला करना शुरू कर देते हैं वनराज जानवी को खुद को जो है हंसने के लिए मारने का आदेश दे देता है और फिर जो है बताते हैं कि भले ही वह मारा गया हो जानवी अपनी नृत्य जानवी अपनी मृत्यु तक उसके अंतिम जो है आदेशों का पालन करना जारी रखेगी ये कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है फिर वनराज जो है जानवी को अपने भाई को मारने का निर्देश देता है कबीर और फिर ज्योति ने जानवी को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया इसके बाद कहानी में ये महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं कबीर और ज्योति वनराज को जानवी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं वनराज जानवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ज्योति ध्रुव को अस्पताल में लेकर जाती है जबकि जो है को पता नहीं होता कि कबीर उसे अपने ठिकाने तक ले जा रहा है उसने पहले ही अपने जो है सेल फोन में एक ट्रैकर लगा दिया है और ये पता चलता है कि वनराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित करके रखा है जानवी को अंतिम सदस्य के रूप में शामिल करके हुआ उन्हें अग्नि में बलि देने का बलि देने के कार्य की, की पूरी तैयारी कर लिया है वह सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाला ही होता है तभी प्रत्येक काली जो है गुड़िया पर जो है आग के करीब आने का आदेश दिया जाता है एक बार जब वह अंतिम जो है लालियन की गुड़िया फेंक देता है तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी इससे उसकी जो है इच्छा के अनुसार किसी को भी नियंत्रित करने, करने की शक्ति प्राप्त करने की रस्म पूरी हो जाएगी क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता इच्छा के लायक नहीं है कबीर वनराज का पीछा करता रहता है और वहाँ पहुँच जाता है लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और फिर रस्म पूरी करने की रस्म पूरी करने ही वाला होता है फिर कबीर जो है वनराज पर जो है जलाऊ लड़की से हमला करवाता है और अंत में जो है अंतिम लाल गुड़िया से वनराज की जीफ काट लेता है वनराज लड़कियों को कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है और जब जो है यहाँ पे आशय होता है तो जब लड़कियाँ कबीर को मारने की कोशिश करती है तो वह वनराज की आवाज़ की संपादित रिकॉर्डिंग बजाता है जिसमें वह उनकी जो है की घोषणा करता है इससे पहले कबीर ने घर के जो है सिक्योरिटी कैमरे से वनराज की रिकॉर्डिंग ली थी जिसमें वह जानवी से कह रहा था कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उसे छोड़ दे कबीर ने अपने शब्द को इस तरह से जोड़ा कि ऐसा लगे कि वनराज लड़कियों को सामान्य होने का आदेश दे रहा है इस तरह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियां उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती है जैसे ही कबीर और फिर उसका परिवार जो है अस्पताल में ठीक हो जाते हैं वनराज की जो यहाँ पे बंधक लड़कियों को पुलिस द्वारा पुलिस पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से उनके घर वापस भेज दिया जाता है जो कि कबीर को सूचित किया जाता है कि वनराज लापता हो गया है इसके बाद दोस्तों एक साल बाद कबीर को एक अलग कमरे में जाते हुए देखा जाता है जहाँ पे उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है और वह वनराज का मजाक उड़ाता है जो अब जो है बोल नहीं सकता और उसे जो है सत्ता की चाह है और वो कहता है कि असली ताकत जो है माता पिता असली ताकत माता पिता से अति कोई नहीं हो सकता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वह घोषणा करता है कि ये अब नरक है तुम्हारे लिए और वनराज का शैतान और वनराज का शैतान ही है फिर वह वनराज से कहता है कि अगले दिन फिर मिलेंगे और वहाँ से वो चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है वही दोस्तों इस फिल्म की मूवी रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अक्सर अजय देवगन की कहानियों और ट्रीटमेंट के लिए अंतहीन भूख पर जो आश्चर्य चर्कित किया जाता है और उन्हें उन्हें अपरिहार्य और फिर मुक्ति दाता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह एक खास तरह के अल्ट्रा मर्दाना और अडिग नायक की भूमिका निभा सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आदर्शों और फिर जो कथित रूप से प्यारे जो भोलेपन से बहुत अधिक ग्रस्त है जिसकी भरपाई जो है ताकत और फिर जो है सुसंत कृत और सहजता है और यानी कि उग्र और स्वभाव की जो है स्वभाव की जानी चाहिए और इस जो है मामलों में यहाँ पे गंगा जल दो हज़ार तीन इसके अलावा सिंह फ्रेंचाइजी और फिर फेवरेट फिल्म दो हज़ार अठारह आप लोग देख सकते हो इस तरह से मुझे उनकी हालिया फिल्मों के दूसरे हिस्से पर ज़्यादा जो आश्चर्य हुआ इसमें उन्होंने एक नासमझ कठोर पिता की भूमिका निभाई है फिर जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जिसमें एक प्यार करने वाला परिवार की और पूरी चीज़ें शामिल है जो कि उसकी दुनिया के केंद्र में है उन्होंने देरश्याम फिल्म देर फिल्मों में और फिर सिवाय दो में ऐसा ही किया है विकास महल की शैतान में अजय देवगन के अंदर का राक्षस उनके अंदर के पिता से मेल खाता है दोस्तों उनकी फिल्मों के बारे में इतना ज्यादा इसलिए बता इतना ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है इस यानी कि टॉर्चर पौर्नों में बहुत भी कुछ रखी गई जो कि अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में सेट किए गए चरित्र पर टिके हुए हैं और एक यहाँ पे समझौतावादी जो है पिता है जो कि अपनी बेटी के जीवन और फिर सम्मान के लिए लड़ते हैं इस तरह से शैतान के साथ जो खौफ और झिझक जो आती है वह इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्म और फिर इसकी पदकथा में जो यहाँ पे परिस्थितियाँ मौजूद है वह वास्तव में वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो है व्यवहार है वह परिस्थितियाँ प्रतिक्रिया टेम्पलेट के उत्पाद के रूप में काम करते हैं जो कि यहाँ पे विकृत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और फिर जो है बंधक नाटक और फिर हमेशा पेश करते हैं विकास की फिल्म इन जो है दोनों उप शैलियों को लिया जाता है और फिर इसे जो है अलौकिकता के अति रेख में जो है फेंक दिया जाता है और यही वह चीज़ है जो कि अंतिम उत्पाद को इतना बेकार बना देता है कहीं ना कहीं दोस्तों बता दे पहाड़ियों में एक के परिवार के यहाँ पे सुदूर जो है फार्म हाउस में एक बीन यानी कि बुलाए मेहमान के दर आ जाता आर माधवन पर्याप्त रूप से परेशान करने वाला नहीं है उसे एक है। उसे एक यानी कि वशीकरण के साथ मिलकर और फिर जो विशेषज्ञ होने की आवश्यकताएं हैं जिसके तरीके विज्ञान की समझ से परे हैं और क्या हम वास्तव में अभी भी ऐसा कर सकते हैं और जिसका लक्ष्य जो है किशोर लड़कियों को सम्मोहित करने और उनका अपहरण करने और उन्हें और उन्हें जौहर शैली की बलि के लिए इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है ताकि जो है पत, ताकि जो है पताल की बागडोर उसके हाथों में आ जाए कई भारतीय बच्चों को ये कहते हुए बड़ा किया जाता है कि वह अजनबियों से कह दी या फिर जो ट्रीट न ले और इसी तरह ये शैतान जो है यहाँ पे पर पीरत और फिर अजय देवगन की बेटी जानवी यानी कि जानकी बोधि वाला पर जो है नियंत्रण किया जाता है इसी तरह से अब इस कहानी में इस पागल घुसपैठियों के किरदार के लिए माधवन शरारती किरदारों के लिए अपनी जो है प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं परिवार के आपसी संबंधों में खुद को जो है शामिल करना और फिर उसके तुरंत बाद जो है उनके घर में घुस जाना किसी तरह की महारत लग सकता है लेकिन ये भी स्क्रीन पर जो है अनगिनत बार जो है किया गया है और मेरे पसंदीदा है क्योंकि द किलिंग ऑफ यानी कि ए सिक्रेट डियर और फिर फ्यजियो फनी गेम्स इन द वेस्ट और कौन और फिर जो रोड क्लोजर में भी दिखाया गया था अजय देवगन अभिनीत कई फिल्मों में जो चीज़ जो है उबाऊ लगती है और बल्कि घिनौनी लगती है और यहाँ पे क्रूरता या फिर जो यातना और युवा महिलाओं की यौन जो है भेदता पर निर्भरता किया गया है मानसिक रूप से बता दे बीमार घुसपैठिए सही जो है सभी को पिता सभी को पीटा जाता है और फिर यदि आप जो इसके अनुश्यक जो है भारीपन से बचने के लिए जपते हैं तो अपनी जो आंखें बंद कर लेते हैं तो यहाँ पे फिल्म जो सुनिश्चित करती है कि आवाज़ यहाँ पे आपके कानों तक पहुँचे वहीं प्रति पक्षी अपने जो है विषय को अपना अपने आठ वर्षीय भाई के सिर को एक तेज धार वाले रैंगिंग पर जो है यहाँ पे पटकने का आदेश देती है और फिर जो है लापरवाही से उससे कहती है कि वह अपने जो है चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि यहाँ पे पोर्ज पर जो है खड़े उसके माता पिता ये सुन सके फिर उनके सिर नीचे झुक जाते हैं और फिर उनकी आंखें लाल हो जाती है इसके अलावा कुछ तत्वों में कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है लगातार वही इस फिल्म की एंड में वैसे जब इस फिल्म की बात आती है तो ये सब ये सिर्फ यानी कि हिम शैली का सरा हिम शैली का सिरा है ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सही संदेश की कीमत पर भी अस्थिर होने की उम्मीद में कदम रखा था चौंका देने वाले दृश्य है फिल्म में जैसे कि जब कबीर और फिर जेवती जेवती का वनराज के नकली नकली जो प्रस्थान के बाद प्रस्थान के बाद भी जानवी को सतबद्ध पाते हैं और यहाँ पे दर्शक उसे जो है दर्शक उसे नकदी और फिर जो आभूषण से भरे जो है बैग के सामने हाथ जोड़कर कर खड़े देखते हैं जिससे जो उसने आग लगा दी है अपने आप में भयानक है लेकिन जब वो अपना जो यहाँ पे मुंह खोलता है तो लेखक यहाँ पे आमिल कियान खान जिन्होंने पहले जो है में चौंतीस और फिरजो देवशम टू में अजय देवन के साथ काम किया हुआ है बस इतना ही वो कह सकते हैं कि तुम्हें जो है लगा कि तुम मुझे पैसों से खरीद दो लोगे और फिर वनराज अपनी जो है भयानक जो है कुर्बानी के लिए उनकी बेटी को हासिल करने की अपनी जो है भव्य योजना का खुलासा करता है इसके बाद दोस्तों क्लाइमेक्स का अनुमान लगाया जा सकता है और अगर आप इसकी जो है कमज़ोरी को नज़रअंदाज करना भी चाहे तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बलिदान वाला दृश्य और फिर मात का तांत्रिक मेकअप आपको ऐसा करने नहीं देगा अंतिम दृश्य जिसे जो है फिल्म की आत्मा प्रशंसा करने वाली आत्मा और फिर जो है चेतना जंगल में यहाँ पे सड़ते हुए जो है सरते हुए, हुए चूहे के साथ शुरुआत होता है जो कि दृश्य इसमें दिखाया गया है अंत तक उस से यहाँ पे गांड को भी ढीला कर दिया जाता है जिससे आपको ऐसी फिल्में देखने के बाद जो है अपने पेट में जो है महसूस करना चाहिए और साथ ही क्या मैं से भी एफ से जो है अनुरोध कर सकता हूँ कि वह निर्माताओं को ऐसी फिल्मों के लिए ये फिल्म जो है काले जादू को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जैसे कि अशुभ कारणों से बचने की अनुमति दिया जाता है फिल्म के अंदर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू कर दिया अजय देवगन की मस्ट फेवरेटेड फिल्म को जिसका नाम है शैतान जिसमें अजय देवगन ने काफी अच्छी परफॉर्म की है और इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कारोबार किया है बॉक्स ऑफिस पे अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मूवीज को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है उम्मीद करते हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माईट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सैतान तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैतान फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है सैतान फिल्म साल दो में रिलीज हुई है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग सुपर अजय देवगन के फैन हो और शैतान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है चलिए अब बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सैदान फिल्म के बारे में सबसे पहले बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को आठ मार्च दो को रिलीज किया गया था वहीं इस फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो शैतान फिल्म को बनाने में 60 से लेकर पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है और इसे साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है वही इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो कि तब मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उनकी बेटी एक अजनबी द्वारा डाले गए काले जादू के प्रभाव में आ जाती है और फिर वो उस अजनबी के इरादों का पता लगाने और उस पर जादू रोकने का प्रयास करते हैं उसके पूरे घर वाले इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में ही की गई थी और फिर प्रमुख फोटोग्राफी जून से सितंबर 2023 के बीच देहरादून और लंदन में शुरू हुई थी दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो शैतान फिल्म के संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है जबकि छायांकन और संपादन सुधाकर रेड्डी सर ने तैयार किया है शैतान फिल्म को सीधे 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी रिलीज होने पर जो की अनुमानित इस फिल्म को बनाने में साठ से पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और इसके मुकाबले इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है वही दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म साल 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है वही 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर फिल्म में से इसको एक मानी जा रही है बात करें इस फिल्म के उत्पादन और ढलान के बारे में तो दोस्तों फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म यानी वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म का ही मूवी रिमेक है वर्ष फिल्म 2023 के हिंदी रिमेक की घोषणा मई 2023 में ही की गई थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में होंगे बताया गया था जिसका निर्देशन विकास बहाल करेंगे ये भी जानकारी दी गई थी जबकि आधिकारिक शीर्षक जो है शैतान की पुष्टि जनवरी 2024 में ही कर दी गई थी इसी साथ आर माधवन को पक्षी और जयतिका को देवगन की पत्नी के रूप में लिया गया था जो कि डम-डम-डम और इसके अलावा मगलिर मटूम दो हजार सत्रह के, के सत बाद उनका चौथा सहयोग था इनके साथ ही जयोतिका की 25 साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी हुई है वही बच्चों की भूमिका निभाने के लिए जानकी बोधीवाला और फिर अंगद राज को साइन किया गया था जिसमें बोधीवाला ने ओव से अपनी भूमिका को दोहराया है वहीं दोस्तों फिल्म की शूटिंग लंदन मुंबई और मसूरी में गई और की गई है खास तौर पर और फिल्मांकन जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चला था फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी सर ने तैयार किया है और गीत कुमार ने लिखे है आपको बता दें पहला सिंगल जिसका शीर्षक जो है खुशिया बटोर लो ये पंद्रह फरवरी दो को रिलीज़ किया गया था यूरोप के ऊपर अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म को क्रिटिक्स ने कितना रिस्पॉन्स रेटिंग दिया है वही समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेंट टोमेंटोज पर पंद्रह आलोचकों की समीक्षाओं में से चालीस परसेंट चालीस परसेंट सकारात्मक समीक्षाएं मिली हुई है जिनकी औसत रेटिंग दस में से फाइव पॉइंट थ्री निकलकर आ जाती है यही दोस्तों इसके बाद इस फिल्म को बॉलीवुड हंगामा की तरफ से फाइव में से फोर स्टार रेटिंग दिया गया है और लिखा गया है इनके तरफ से शैतान एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बेहतरीन अभिनय और ताली बजाने -like लायक क्लाइमैक्स फिट किया गया है जो आपको बाधा रखती है पूरी फिल्म में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है भले ही शैतान की कहानी कई बार लड़खड़ाती हो लेकिन माहौल का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर बेहतरीन अभिनय इसे एक बेचैन कर देने वाला अनुभव में बदल देता है इंडिया टूडे की तरफ से साना फर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है शैतान कमज़ोर पर जाती है तब जब शायद जो है कमज़ोर स्क्रिप्ट और फिर रीमेक बनाने के दबाव के कारण जो है

अंत में नायक को जीत दिलाना फिल्म को बहुत ही ज्यादा जो पूर्वानुमानित बना देता है इसके साथ ही टी वी की तरफ से सेटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और है जीविका कलाकारों में एक मात्रा ऐसी है जो कि कार्यवाही की जो है सरासर और मूर्खता से थोड़ा सा ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है दो पुरुष किरदार और फिर उन्हें जो है निभाने वाले अभिनेता कोई मौका नहीं देते हैं बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने काफी सॉलिड कमाई कर ली है अब आइए दोस्तों बात करते हैं शैतान फिल्म की कहानी के बारे में कि फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी चार्टर अकाउंटेंट कबीर ऋषि और फिर उनकी पत्नी जयोति अपने बच्चों जानवी और दर्वा के साथ उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं वहीं एक दूर वहीं एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते कुछ समय बिताने जाते जहाँ पे वनराज कैशव नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से वो मिलते हैं फिर वहाँ पे वनराज जानवी को उसके उसके पराठे के बदले में एक लड्डू खिलाता है लड्डू खाने के बाद ही जानवी जो है कतपुतली की तरह उसकी हर आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर देती है वनराज बाद में फिर से जो है जानवी को बिस्किट का एक पैकेट देता है जब वह कार में होती है और फिर उसे फार्म हाउस पहुँचने के बाद इसे खाने के लिए कहते हैं वही कबीर और उसका परिवार जो है फार्म हाउस के पुल में आनंद लेने लगते हैं ज्योति अपना गीला फोन सुखाने के लिए चावल के डिब्बे में रख देती है और फिर जो है छत पर पहुंच जाती है उसने वनराज को फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा पाया जानवी वनराज को अंदर आने देती है और वह दावा करता है कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है इसके बाद उसकी उपस्थिति से परिवार यहाँ पर स्थिर हो जाता है और जेवती और जेवती कबीर से वनराज को घर से बाहर भेजने के लिए भी कहती है लेकिन वनराज यहाँ पे जानवी से उसके बॉयफ्रेंड और फिर कॉलेज के बारे में बात करना शुरू कर देता है ध्रुआ जानवी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है फिर वनराज वह ध्रुआ से परेशान हो जाता है और जानवी से झूले पर ध्रुव को धमकाने के लिए भी कहता है जानवी ध्रुव के साथ बहुत ऊंचा झुलाती है जिससे जो है ध्रुव डर जाता है और फिर मदद की गुहार लगाना स्टार्ट कर देता है इस कहानी में आगे जीवती और फिर कबीर वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद दोस्तों कबीर जानवी से घटना को भूल जाने के लिए कहता है कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के साथ किया क्या है और फिर वनराज बताता है कि उसने काले जादू के जरिए उसे सम्मोहित कर लिया है अपने बस में कर लिया है और वह उसके हर आदेश का पालन करेगी बताता है वनराज जानवी को लगातार खड़े रहने और फिर बैठने का आदेश देता रहता है और वह उसका पालन करती रहती है वनराज जानवी को सभी फ़ोन टेलीफोन लाइन तोड़ने का भी आदेश दे देता है और जानवी को अजीब और फिर क्रूर चीज़ें करने के लिए भी निर्देशित करके परिवार को परेशान करता है वनराज जान्हबी को सूखी चाय की पतिया खाने का आदेश देता है और फिर ऐसा करती है कबीर जानवी को रोकता भी है और फिर वह वनराज के आदेश पर अपने पिता को थप्पड़ मारती है इस तरह से कहानी में बहुत कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है वनराज कबीर और फिर देवती से जानवी को उसे सौंपने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए थी जब वह मना करता है तो वनराज जानवी को मार देता है और कबीर उस पर हमला करता है वनराज चाहवी को ध्रुव का सिर तोड़ने का आदेश देता है और वह ऐसा ही करती है बाद में सेवती चावल के डिब्बे में रखे फोन से पुलिस को फोन करती है रखे फोन से पुलिस जो है हेली फोन करती है पुलिस जो पाइप पर कॉल उठाते हैं और पुलिस जो है फॉर्म हाउस पर पहुंच जाती है दरवाजे पर पुलिस को देखकर कर वनराज शां्नवी को गैस सिलेंडर चालू करने और फिर जो है माचिस जो है पकड़कर उस पर जो है बैठने का आदेश दे देता है फिर वह कबीर और फिर जेवती को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह जानवी को माचिस जलाकर जो है खुदकुशी करने का आदेश दे देगा परिवार पुलिस के साथ सामान्य व्यवहार करती है आने पर और पुलिस आखिरकार वहां से चली जाती है वही कबीर उन्हें जो है बखसने के बदले में वही कबीर उन्हें बकसने के बदले में पैसे देता है वराज सहमत हो जाता है और घर छोड़ देता है लेकिन पैसों को आग लगा देता है ये घोषणा करते हुए कि उसके लिए भौतिकवादी चीज़ों का कोई भी उपयोग नहीं है वो खुद को एक, एक एक राक्षस बताता है जिसका उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना है खुद को भगवान के समान अच्छा मानता है और वह जानवी को लगातार जो है खुद को थप्पड़ मारने का आदेश देता है और फिर उसे उसके लिए नृत्य करने का आदेश रचता है जानवी एक घंटे से अधिक समय तक नृत्य करती रहती है वह नराज को चाकू लाने का आदेश देता है और फिर वह फिर वह सो वह सो जाता है जानवी को निर्देश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे जब उसके पिता वनराज का फोन चुराने की कोशिश करते हैं जानवी उसे मना करने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए अपने शॉट में अपने शॉट में पेशाव कर देती है ताकि उसे उसे चाकू ना मारना पड़े वनराज जाग जाता है और ये देखकर जो है बहुत निराश हो जाता है पर्याप्त होने के बाद ज्योति आखिरकार जो है जानवी से चाकू छीन लेते हैं और फिर वन राज पर जो हमला किया जाता है बाद में कबीर जानवी को साड़ियों पर बांध देता है और फिर जो है वन राज पर हमला करना शुरू कर देते हैं वन राज जान्नवी को खुद को जो है हंसने के लिए मारने का आदेश दे देता है और फिर जो बताते है बताते हैं कि भले ही वह मारा गया हो जानवी अपनी नृत्य जानवी अपनी मृत्यु तक उसके अंतिम जो है आदेशों का पालन करना जारी रखेगी ये कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है फिर वनराज जानवी को अपने भाई को मारने का निर्देश देता है कबीर और फिर जेवती ने जानवी को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया इसके बाद कहानी में ये महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं कबीर और जेवती वनराज को जानवी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं वनराज जानवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ज्योति ध्रुवा को अस्पताल में लेकर जाती है जबकि जो वनराज को पता नहीं होता कि कबीर उसे अपने ठिकाने तक ले जा रहा है उसने पहले ही अपने जो है सेल फोन में एक ट्रेकर लगा दिया है और ये पता चलता है कि वनराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित करके रखा है जानवी को अंतिम सदस्य के रूप में शामिल करके वह उन्हें अग्नि में बलि देने का बलि देने के कार्य की, की पूरी तैयारी कर लिया है वह सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाला ही होता है तभी प्रत्येक काली जो है गुड़िया पर जो है आग के करीब आने का आदेश दिया जाता है एक बार जब वह अंतिम जो है लालयन की गुड़िया फेंक देता है तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी इससे उसकी जो है इच्छा के अनुसार किसी को भी नियंत्रित करने, करने की शक्ति प्राप्त करने की रस्म पूरी हो जाएगी क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता इच्छा के लायक नहीं है कबीर वनराज का पीछा करता रहता है और वहाँ पहुँच जाता है लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और फिर रस्म पूरी करने की रस्म पूरी करने ही वाला होता है फिर कबीर जो है वनराज पर जो है जलाऊ लड़की से हमला करवाता है और अंत में जो है अंतिम लाल गुड़िया से वनराज की जीप काट लेता है वनराज लड़कियों को कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है और जब जो है यहाँ पे आशय होता है तो जब लड़किया कबीर को मारने की कोशिश करती है तो वह वंदराज की आवाज़ की संपादित रिकॉर्डिंग बजाता है जिसमें वह उनकी जो है आजादी की घोषणा करता है इससे पहले कबीर ने घर के जो है सिक्योरिटी कैमरे से वंदराज की रिकॉर्डिंग ली थी जिसमें वह जानवी से कह रहा था कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उसे छोड़ दे कबीर ने अपने शब्द को इस तरह से जोड़ा कि ऐसा लगे कि वंदराज लड़कियों को सामान्य होने का आदेश दे रहा है इस तरह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियाँ उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती है जैसे ही कबीर और फिर उसका परिवार जो है अस्पताल में ठीक हो जाते हैं वनराज की जो है यहाँ पे बंधक लड़कियों को पुलिस द्वारा पुलिस पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से उनके घर वापस भेज दिया जाता है जो कि कबीर को सूचित किया जाता है कि वनराज लापता हो गया है इसके बाद दोस्तों एक साल बाद कबीर को एक अलग कमरे में जाते हुए देखा जाता है जहाँ पे उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है और वह वनराज का मजाक उड़ाता है जो अब जो है बोल नहीं सकता और उसे जो है सत्ता की चाह है और वो कहता है कि असली ताकत जो है माता पिता असली ताकत माता पिता से अति कोई नहीं हो सकता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वह घोषणा करता है कि ये अब नरक है तुम्हारे लिए और वनराज का शैतान और वनराज का शैतान ही है फिर वह वनराज से कहता है कि अगले दिन फिर मिलेंगे और वहाँ से वो चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है वही दोस्तों इस फिल्म की मूवी रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अक्सर अजय देवगन की कहानियों और ट्रीटमेंट के लिए अंतहीन भूख पर जो आश्चर्य चर्कित किया जाता है और उन्हें उन्हें अपरिहार्य और फिर मुक्ति दाता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह एक खास तरह के अल्ट्रा मर्दाना और अडिग नायक की भूमिका निभा सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आदर्शों और फिर जो कथिक रूप से प्यारे जो भोलेपन से बहुत अधिक ग्रस्त है जिसकी भरपाई जो है ताकत और फिर जो है सुसंत कृत और सहजता है और यानी कि उग्र और स्वभाव की जो है स्वभाव की जानी चाहिए और इस जो है मामलों में यहाँ पे गंगा जल दो हज़ार तीन इसके लव सिंगम फ्रेंचाइजी और फिर रेड फिल्म दो आप लोग देख सकते हो इस तरह से मुझे उनकी हालिया फिल्मों के दूसरे हिस्से पर ज़्यादा जो आश्चर्य हुआ इसमें उन्होंने एक नासमझ कठोर पिता की भूमिका निभाई है फिर जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जिसमें एक प्यार करने वाला परिवार की अब पूरी चीज़ें शामिल है जो कि उसकी दुनिया के केंद्र में है उन्होंने देवश्याम फिल्म देर फिल्मों में और फेट सिवाय दो में ऐसा ही किया है विकास बहल की शैतान में अजय देवगन के अंदर का राक्षस उनके अंदर के पिता से मेल खाता है दोस्तों उनकी फिल्मों के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बता इतना ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है इस यानी कि टॉर्चर पौनों में बहुत जो कुछ रखी गई जो कि अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में सेट किए गए चरित्र पर टिके हुए हैं और एक यहाँ पे समझौतावादी जो है पिता है जो कि अपनी बेटी के जीवन और फिर सम्मान के लिए लड़ते हैं इस तरह से शैतान के साथ जो खौफ और झिझक जो आती है वह इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्म और फिर इसकी पदकथा में जो यहाँ परिस्थितियाँ मौजूद है वह वा वास्तव में वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो है व्यवहार है वह परिस्थितियाँ प्रतिक्रिया टेम्पलेट के उत्पाद के रूप में काम करते हैं जो कि यहाँ पे विकृत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और फिर जो है बंधक नाटक और फिर हमेशा पेश करते हैं विकास की फिल्म इन जो है दोनों उप शैलियों को लिया जाता है और फिर इसे जो है अलौकिकता के अति रेक में जो है फेंक दिया जाता है और यही वह चीज़ है जो कि अंतिम उत्पाद को इतना बेकार बना देता है कहीं ना कहीं दोस्तों बता दे पहाड़ियों में एक परिवार के यहाँ पे सुदूर जो है फार्म हाउस में एक बीन यानी कि बुरा है मेहमान के दौरान पर्याप्त रूप से परेशान करने वाला नहीं है उसे एक उसे एक यानी कि वशीकरण के साथ मिलकर और फिर जो विशेषज्ञ होने की आवश्यकताएं है जिसके तरीके विज्ञान की समझ से परे हैं और क्या हम वास्तव में अभी भी ऐसा कर सकते हैं और जिसका लक्ष्य जो है किशोर लड़कियों को सम्मोहित करने और उनका अपहरण करने और उन्हें और उन्हें जौहर शैली की बलि के लिए इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है ताकि जो है पत, ताकि जो है पताल की बागडोर उसके हाथों में आ जाए कई भारतीय बच्चों को ये कहते हुए बड़ा किया जाता है कि वह अजनबियों से कैदी या फिर जो ट्रीट नाले ले और इसी तरह ये शैतान जो है यहाँ पे पर और फिर अजय देवगन की बेटी जानवी यानी कि जानकी पोदी वाला पर जो नियंत्रण किया जाता है इसी तरह से अब इस कहानी में इस पागल घुसपैठियों के किरदार के लिए माधवन शरारती किरदारों के लिए अपनी जो है प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं परिवार के आपसी संबंधों में खुद को जो है शामिल करना और फिर उसके तुरंत बाद जो है उनके घर में घुस जाना किसी तरह की महारत लग सकता है लेकिन ये भी स्क्रीन पर जो है अनगिनत बार जो है किया गया है और मेरे पसंदीदा है क्योंकि द किलिंग ऑफ यानी कि ए सिक्रेट डियर और फ्य जूह फनी गेम्स इन द वेस्ट और कौन और फिर जो रोड क्लोजर में भी दिखाया गया था अजय देवगन अभिनीत कई फिल्मों में जो चीज़ जो है उबाऊ लगती है और बल्कि घिनौनी लगती है और यहाँ पे क्रूरता या फिर जो यातना और युवा महिलाओं की यौन जो है भेदता पर निर्भरता किया गया है मानसिक रूप से बता दें बीमार घुसपैठिए शहीद जो है सभी को पिता सभी को पीटा जाता है और फिर यदि आप जो है इसके अनुश्यक जो है और भारीपन से बचने के लिए जपते हैं तो अपनी जो आंखें बंद कर लेते हैं तो यहाँ पे फिल्म जो सुनिश्चित करती है कि आवाज़ यहाँ पे आपके कानों तक पहुंचे वहीं प्रति पक्षी अपने जो है विषय को अपना अपने आठ वर्षीय भाई के सिर को एक तेज धार वाले रेंगिंग पर जो है यहाँ पे पटकने का आदेश देती है और फिर जो है लापरवाही से उससे कहती है कि वह अपने जो है चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि यहाँ पे पोच पर जो है खड़े उसके माता पिता ये सुन सके फिर उनके सिर नीचे झुक जाते हैं और फिर उनकी आंखें लाल हो जाती है इसके अलावा कुछ तत्वों में कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है लगातार वही इस फिल्म की एंड में वैसे जब इस फिल्म की बात आती है तो ये सब जो सिर्फ यानी कि हिम शैली का सिरा हिम शैली का सिरा है इमानदारी से कहूँ तो मैंने सही संदेश की कीमत पर भी अस्थिर होने की उम्मीद में कदम रखा था चौंका देने वाले दृश्य है फिल्म में जैसे कि जब कबीर और फिर जेवती जेवती का वनराज के नकली नकली जो प्रस्थान के बाद प्रस्थान के बाद भी जानवी को सतब पाते हैं और यहाँ पे दर्शक उसे जो है दर्शक उसे नकदी और फिर जो आभूषण से भरे जो है बैग के सामने हाथ जोर कर खड़े देखते हैं जिससे जो उसने आग लगा दी है अपने आप में भयानक है लेकिन जब वो अपना जो यहाँ पे मुंह खोलता है तो लेखक यहाँ पे आमिल कियान खान जिन्होंने पहले जो है रणवीर चौतीस और फिर जो देवशम टू में अजय देवन के साथ काम किया हुआ है बस इतना ही वो कह सकते हैं कि तुम्हें जो है लगा कि तुम मुझे पैसों से खरीद दो लोगे और फिर वनराज अपनी जो है भयानक जो है कुर्बानी के लिए उनकी बेटी को हासिल करने की अपनी जो है भव्य योजना का खुलासा करता है इसके बाद दोस्तों क्लाइमेक्स का अनुमान लगाया जा सकता है और अगर आप इसकी जो है कमज़ोरी को नज़रअंदाज करना भी चाहे तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बलिदान वाला दृश्य और फिर मातुर का तांत्रिक मेकअप आपको ऐसा करने नहीं देगा अंतिम दृश्य जिसे जो है फिल्म की आत्मा प्रशंसा करने वाली आत्मा और फिर जो है चेतना जंगल में यहाँ पे सड़ते हुए जो है सरते हुए चूहे के साथ शुरुआत होता है जो कि दृश्य इसमें दिखाया गया है अंत तक उस यहाँ पे गांड को भी ढीला कर दिया जाता है जिससे आपको ऐसी फिल्में देखने के बाद जो है अपने पेट में जो है महसूस करना चाहिए और साथ ही क्या मैं सी बी एफ एस सी से, से जो है अनुरोध कर सकता हूँ कि वह निर्माताओं को ऐसी फिल्मों के लिए ये फिल्म जो है काले जादू को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जैसे कि अशुभ कारणों से बचने की अनुमति दिया जाता है फिल्म के अंदर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू कर दिया अजय देवगन की मस्ट फेवरेटेड फिल्म को जिसका नाम है शैतान जिसमें अजय देवगन ने काफी अच्छी परफॉर्म की है और इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कारोबार किया है बॉक्स ऑफिस पे अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है उम्मीद करता हूँ आज का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोईफेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सैतान तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैतान फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है सैतान फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ डी टी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग सुपर अजय देवगन के फ़ैन हो और शैतान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है चलिए अब बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एक ही मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सैदान फिल्म के बारे में सबसे पहले बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 8 मार्च 2024 को रिलीज किया गया था वहीं इस फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो शैतान फिल्म को बनाने में 60 से लेकर पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है और इस एक साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है वही इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो कि तब मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उनकी बेटी एक अजनबी द्वारा डाले गए काले जादू के प्रभाव में आ जाती है और फिर वो उस अजनबी के इरादों का पता लगाने और उस पर जादू रोकने का प्रयास करते हैं उसके पूरे घर वाले इस एक साथ दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में ही की गई थी और फिर प्रमुख फोटोग्राफी जून से सितंबर 2023 के बीच देहरादून और लंदन में शुरू हुई थी दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर ले तो शैतान फिल्म के संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है जबकि छायांकन और संपादन सुधाकर रेड्डी सर ने तैयार किया है शैतान फिल्म को सीधे 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी रिलीज होने पर जो कि अनुमानित इस फिल्म को बनाने में साठ से पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और इसके मुकाबले इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है वही दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म साल 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है वही 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर फिल्म में से इसको एक मानी जा रही है बात करें इस फिल्म के उत्पादन और ढलान के बारे में तो दोस्तों फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म 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 यानी 2023 2023 में रिलीज हुई फिल्म का रीमेक रीमेक है फिल्म के हिंदी रिमेक की घोषणा मई 2023 में ही की गई थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में होंगे बताया गया था जिसका निर्देशन विकास बहाल करेंगे ये भी जानकारी दी गई थी जबकि आधिकारिक शीर्षक जो है शैतान की पुष्टि जनवरी 2024 में ही कर दी गई थी इसी के साथ आर माधवन को प्रतिपक्षी और जीविता को देवगन की पत्नी के रूप में लिया गया था जो कि डम 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 2009 इसके अलावा प्रिया मना थोजी 2003 और इसके अलावा मगलिर मटुम 2017 के बाद उनका चौथा सहयोग था इनके साथ साथ ही जयोतिका की पचीस साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी हुई है वही बच्चों की भूमिका निभाने के लिए जानकी बोधिवाला और फिर अंगद राज को साइन किया गया था जिसमें बोधिवाला ने ओव से अपनी भूमिका को दोहराया है वही दोस्तों फिल्म की शूटिंग लंदन मुंबई और मसूरी में की गई है खास तौर पर और फिल्मांकन जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चला था फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी सर ने तैयार किया है और गीत कुमार ने लिखे हैं आपको बता दें पहला सिंगल जिसका शीर्षक जो है खुशिया बटोलो ये पंद्रह फरवरी दो को रिलीज किया गया था यूरोप के ऊपर अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म को क्रिटिक्स ने कितना रिस्पॉन्स रेटिंग दिया है वही समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रोटेंट टोमेंटोज पर पंद्रह आलोचकों की समीक्षाओं में से चालीस परसेंट चालीस परसेंट सकारात्मक समीक्षाएं मिली हुई है जिनकी औसत रेटिंग दस में से फाइव पॉइंट थ्री निकलकर आ जाती है यही दोस्तों इसके बाद इस फिल्म को बॉलीवुड हंगामा की तरफ से फाइव में से फोर स्टार रेटिंग दिया गया है और लिखा गया है इनके तरफ से शैतान एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बेहतरीन अभिनय और ताली बजाने -like लायक क्लाइमैक्स फिट किया गया है जो आपको रखती है पूरी फिल्म में ऑफ इंडिया तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है भले ही शैतान की कहानी कई बार लड़खड़ाती हो लेकिन माहौल का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर बेहतरीन अभिनय इसे एक बेचैन कर देने वाला अनुभव में बदल देता है इंडिया टूडे की तरफ से साना फ़र्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है शैतान कमज़ोर पड़ जाती है तब जब शायद जो है कमज़ोर स्क्रिप्ट और फिर रीमेक बनाने के दबाव के कारण जो है इस फिल्म को थोड़ा सा खींचा गया है अब इसके बाद फर्स्ट पोस्ट की तरफ से लक्ष्मी देव देवरोए ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और कहा शैतान एक अच्छी अलौकिक थ्रिलर हो सकती थी इसे हमने जो है हाल ही में हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं देखा है लेकिन ये अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध को दर्शाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से गड़बड़ साबित हुई और ये खास कर और ये खराब तरीकों से बनाई गई और रीमेक फिल्म है और कहानी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है अंत में नायक को जीत दिलाना फिल्म को बहुत ही ज़्यादा जो है पूर्वानुमानित बना देता है इसके साथ ही एन टीवी की तरफ से शैबुल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और लिखा है कलाकारों में एक मात्रा ऐसी है जो कि कार्यवाही की जो है सरासर और मूर्खता से थोड़ा सा ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है दो पुरुष किरदार और फिर उन्हें जो है निभाने वाले अभिनेता कोई मौका नहीं देते हैं बॉक्स पर भी फिल्म ने काफी सॉलिड कमाई कर ली है अब आइए दोस्तों बात करते हैं शैतान फिल्म की कहानी के बारे में की फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी चार्टर अकाउंटेंट कबीर ऋषि और फिर उनकी पत्नी जयोति अपने बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं वही एक दूर वही एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते कुछ समय बिताने जाते जहाँ पे वनराज कैशव नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से ओ मिलते हैं फिर वहाँ पे वनराज जानवी को उसके उसके पराठे के बदले में एक लड्डू खिलाता है लड्डू खाने के बाद ही जानवी जो है कठपुतली की तरह उसकी हर आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर देती है वनराज बाद में फिर से जो है जानवी को बिस्किट का एक पैकेट देता है जो वह कार में होती है और फिर उसे जो फार्म हाउस पहुंचने के बाद इसे खाने के लिए कहते हैं वहीं कबीर और उसका परिवार जो है फार्म हाउस के पुल में आनंद लेने लगते हैं ज्योति अपना गीला फोन सुखाने के लिए चावल के डिब्बे में रख देती है और फिर जो है छत पर पहुँच जाती है उसने वनराज को फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा पाया जानवी वनराज को अंदर आने देती है और वह दावा करता है कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है इसके बाद उसकी उपस्थिति से परिवार यहाँ पर स्थिर हो जाता है और जेवती और जेवती कबीर से वनराज को घर से बाहर भेजने के लिए भी कहती है लेकिन वनराज यहाँ पे जानवी से उसके बॉयफ्रेंड और फिर कॉलेज के बारे में बात करना शुरू कर देता है ध्रुव जानवी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है फिर वनराज वह ध्रुव से परेशान हो जाता है और जानवी से झूले पर ध्रुव को धमकाने के लिए भी कहता है जानवी ध्रुव के साथ बहुत ऊंचा झुलाती है जिससे जो है ध्रुव डर जाता है और फिर मदद की गुहार लगाना स्टार्ट कर देता है इस कहानी में आगे जीवती और फिर कबीर वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद दोस्तों कबीर जानवी से घटना को भूल जाने के लिए कहता है कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के साथ क्या क्या है और फिर वनराज बताता है कि उसने काले जादू के जरिए उसे सम्मोहित कर लिया है अपने बस में कर लिया है और वह उसके हर आदेश का पालन करेगी बताता है वनराज जानवी को लगातार खड़े रहने और फिर बैठने का आदेश देता रहता है और वह उसका पालन करती रहती है वनराज जानवी को सभी फ़ोन टेलीफोन लाइन तोड़ने का भी आदेश दे देता है और जानवी को अजीब और फिर क्रूर चीज़ें करने के लिए भी निर्देशित करके परिवार को परेशान करता है वनराज जान्हवी को सुखी चाय की पतियाँ खाने का आदेश देता है और फिर ऐसा करती है कबीर जानवी को रोकता भी है और फिर वह वनराज के आदेश पर अपने पिता को थप्पड़ मारती है इस तरह से कहानी में बहुत कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है वनराज कबीर और फिर देवती से जानवी को उसे सौंपने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए थी जब वह मना करता है तो वनराज जानवी को मार देता है और कबीर उस पर हमला करता है वनराज चाहवी को ध्रुव का सिर तोड़ने का आदेश देता है और वह ऐसा ही करती है बाद में सेवती चावल के डिब्बे में रखे फोन से पुलिस को फोन करती है रखे फोन से पुलिस जो है हेली, फोन करती है पुलिस जो है पाइप पर कॉल उठाते हैं और पुलिस जो है फॉर्म हाउस पर पहुंच जाती है दरवाजे पर पुलिस को देखकर कर वनराज चान्नवी को गैस सिलेंडर चालू करने और फिर जो है माचिस जो है पकड़कर उस पर जो है बैठने का आदेश दे देता है फिर वह कबीर और फिर जेवती को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह जानवी को माचिस जलाकर जो है खुदकुशी करने का आदेश दे देगा परिवार पुलिस के साथ है सामान्य व्यवहार करती आने पर और पुलिस आखिरकार वहां से चली जाती है वही कबीर उन्हें जो है बखसने के बदले में वही कबीर उन्हें बकसने के बदले में पैसे देता है वजराज सहमत हो जाता है और घर छोड़ देता है लेकिन पैसों को आग लगा देता है ये घोषणा करते हुए कि उसके लिए भौतिकवादी चीज़ों का कोई भी उपयोग नहीं है वो खुद को एक एक राक्षस बताता है जिसका उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना है खुद को भगवान के समान अच्छा मानता है और वह जानवी को लगातार जो है खुद को थप्पड़ मारने का आदेश देता है और फिर उसे उसके लिए नृत्य करने का आदेश रचता है जानवी एक घंटे से अधिक समय तक नृत्य करती रहती है वनराज जानवी को चाकू लाने का आदेश देता है और फिर वह फिर वह सो वह सो जाता है जानवी को निर्देश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे जब उसके पिता वनराज का फ़ोन चुराने की कोशिश करते हैं जानवी उसे मना करने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए अपने शॉट में अपने शॉट में पेशाब कर देती है ताकि उसे उसे चाकू ना मारना पड़े वनराज जाग जाता है और ये देखकर जो है बहुत निराश हो जाता है पर्याप्त तो होने के बाद ज्योति आखिरकार जो है जानवी से चाकू छीन लेते हैं और फिर वनराज पर जो हमला किया जाता है बाद में कबीर जानवी को साड़ियों पर बांध देता है और फिर जो है वनराज पर हमला करना शुरू कर देते हैं वनराज जानवी को खुद को जो है हंसने के लिए मारने का आदेश दे देता है और फिर जो है बताते हैं कि भले ही वह मारा गया हो जानवी अपनी नृत्य जानवी अपनी मृत्यु तक उसके अंतिम जो है आदेशों का पालन करना जारी रखेगी ये कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है फिर वनराज जो है जानवी को अपने भाई को मारने का निर्देश देता है कबीर और फिर ज्योति ने जानवी को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया इसके बाद कहानी में ये महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं कबीर और ज्योति वनराज को जानवी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं वनराज जानवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं युवती ध्रुवा को अस्पताल में लेकर जाती है जबकि जो अंदराज को पता नहीं होता कि कबीर उसे अपने ठिकाने तक ले जा रहा है उसने पहले ही अपने जो सेल फोन में एक ट्रैकर लगा दिया है और ये पता चलता है कि अंदराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित करके रखा है जानवी को अंतिम सदस्य के रूप में शामिल करके हुआ उन्हें अग्नि में बलि देने का बलि देने के कार्य की, की पूरी तैयारी कर लिया है वह सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाला ही होता है तभी प्रत्येक काली जो है गुड़िया पर जो है आग के करीब आने का आदेश दिया जाता है एक बार जब वह अंतिम जो है लालयन की गुड़िया फेंक देता है तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी इससे उसकी जो है इच्छा के अनुसार किसी को भी नियंत्रित करने, करने की शक्ति प्राप्त करने की रस्म पूरी हो जाएगी क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता इच्छा के लायक नहीं है कबीर वनराज का पीछा करता रहता है और वहाँ पहुँच जाता है लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और फिर रस्म पूरी करने की रस्म पूरी करने ही वाला होता है फिर कबीर जो है वनराज पर जो है जलाऊ लड़की से हमला करवाता है और अंत में जो है अंतिम लाल गुड़िया से वनराज की जीफ काट लेता है वनराज लड़कियों को कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है और जब जो है यहाँ पे आशय होता है तो जब लड़कियाँ कबीर को मारने की कोशिश करती है तो वह वनराज की आवाज़ की संपादित रिकॉर्डिंग बजाता है जिसमें वह उनकी जो है आजादी की घोषणा करता है इससे पहले कबीर ने घर के जो है सिक्योरिटी कैमरे से वनराज की रिकॉर्डिंग ली थी जिसमें वह जानवी से कह रहा था कि कि उसके पिता चाहते हैं वह उसे छोड़ दे कबीर ने अपने शब्द को को इस तरह से जोड़ा कि कि ऐसा लगे लड़कियों सामान्य होने का आदेश दे रहा है इस तरह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियां उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती है जैसे ही कबीर और फिर उसका परिवार जो है अस्पताल में ठीक हो जाते हैं वनराज की जो यहाँ पे बंधक लड़कियों को पुलिस द्वारा पुलिस पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से उनके घर वापस भेज दिया जाता है जो कि कबीर को सूचित किया जाता है कि वनराज लापता हो गया है इसके बाद दोस्तों एक साल बाद कबीर को एक अलग कमरे में जाते हुए देखा जाता है जहाँ पे उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है और वह वनराज का मजाक उड़ाता है जो अब जो है बोल नहीं सकता और उसे जो है सत्ता की चाह है और वो कहता है कि असली ताकत जो है माता पिता असली ताकत माता पिता से अति कोई नहीं हो सकता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वह घोषणा करता है कि ये अब नरक है तुम्हारे लिए और वनराज का शैतान और वनराज का शैतान ही है फिर वह वनराज से कहता है कि अगले दिन फिर मिलेंगे और वहाँ से वो चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है वही दोस्तों इस फिल्म की मूवी रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अक्सर अजय देवगन की कहानियों और ट्रीटमेंट के लिए अंतहीन भूख पर जो आश्चर्य चर्कित किया जाता है और उन्हें उन्हें अपरिहार्य और फिर मुक्ति दाता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह एक खास तरह के अल्ट्रा मर्दाना और अडिग नायक की भूमिका निभा सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आदर्शों और फिर जो कथित रूप से प्यारे जो भोलेपन से बहुत अधिक ग्रस्त है जिसकी भरपाई जो है ताकत और फिर जो है सुसंत कृत और सहजता है और यानी कि उग्र और स्वभाव की जो है स्वभाव की जानी चाहिए और इस जो है मामलों में यहाँ पे गंगा जल दो हज़ार तीन इसकी लव फ्रेंचाइजी और फिर फेवरेट फिल्म दो हज़ार अठारह आप लोग देख सकते हो इस तरह से मुझे उनकी हालिया फिल्मों के दूसरे हिस्से पर ज़्यादा जो आश्चर्य हुआ इसमें उन्होंने एक नासमझ कठोर पिता की भूमिका निभाई है फिर जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जिसमें एक प्यार करने वाला परिवार की और पूरी चीजें शामिल है जो कि उसकी दुनिया के केंद्र में है उन्होंने देरश्याम फिल्म देर फिल्मों में और फिजुए सिवाय दो में ऐसा ही किया है विकास बहल की शैतान में अजय देवगन के अंदर का राक्षस उनके अंदर के पिता से मेल खाता है दोस्तों उनकी फिल्मों के बारे में इतना ज्यादा इसलिए बता इतना ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है इस यानी कि टॉर्चर पौर्नों में बहुत भी कुछ रखी गई जो कि अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में सेट किए गए चरित्र पर टिके हुए हैं और एक यहाँ पे समझौतावादी जो है पिता है जो कि अपनी बेटी के जीवन और फिर सम्मान के लिए लड़ते हैं इस तरह से शैतान के साथ जो खौफ और झिझक जो है आती है वह इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्म और फिर इसकी पदकथा में जो यहाँ परिस्थितियाँ मौजूद है वह वास्तव में वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो है व्यवहार है वह परिस्थितियाँ प्रतिक्रिया टेम्पलेट के उत्पाद के रूप में काम करते हैं जो कि यहाँ पे विकृत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और फिर जो है बंधक नाटक और फिर हमेशा पेश करते हैं विकास की फिल्म इन जो है दोनों उप शैलियों को लिया जाता है और फिर इसे जो है अलौकिकता के अति रेख में जो है फेंक दिया जाता है और यही वह चीज़ है जो कि अंतिम उत्पाद को इतना बेकार बना देता है कहीं ना कहीं दोस्तों बता दें पहाड़ियों में एक के परिवार के यहाँ पे सुदूट जो है फार्म हाउस में एक बीन यानी कि बुलाए मेहमान के दर आ जाता आर माधवन पर्याप्त रूप से परेशान करने वाला नहीं है उसे एक उसे एक यानी कि वशीकरण के साथ मिलकर और फिर जो विशेषज्ञ होने की आवश्यकताएँ हैं जिसके तरीके विज्ञान की समझ से परे हैं और क्या हम वास्तव में अभी भी ऐसा कर सकते हैं और जिसका लक्ष्य जो है किशोर लड़कियों को सम्मोहित करने और उनका अपहरण करने और उन्हें और उन्हें जौहर शैली की बलि के लिए इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है ताकि जो है पत, ताकि जो है पताल की बागडोर उसके हाथों में आ जाए कई भारतीय बच्चों को ये कहते हुए बड़ा किया जाता है कि वह अजनबियों से कह या फिर जो ट्रीट न ले और इसी तरह ये शैतान जो है यहाँ पे पीरत और फिर अजय देवगन की बेटी जानवी यानी कि जानकी बोधि वाला पर जो है नियंत्रण किया जाता है इसी तरह से अब इस कहानी में इस पागल घुसपैठियों के किरदार के लिए माधवन शरारती किरदारों के लिए अपनी जो है प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं परिवार के आपसी संबंधों में खुद को जो है शामिल करना और फिर उसके तुरंत बाद जो है उनके घर में घुस जाना किसी तरह की महारत लग सकता है लेकिन ये भी स्क्रीन पर जो है अनगिनत बार जो है किया गया है और मेरे पसंदीदा है क्योंकि द किलिंग ऑफ यानी कि ए सिक्रेट डियर और फिर फ्यजियो फनी गेम्स इन द वेस्ट और कौन और फिर जो रोड क्लोजर में भी दिखाया गया था अजय देवगन अभिनीत कई फिल्मों में जो चीज़ जो है उबाऊ लगती है और बल्कि घिनौनी लगती है और यहाँ पे क्रूरता या फिर जो यातना और युवा महिलाओं की यौन जो है भेदता पर निर्भरता किया गया है मानसिक रूप से बता दे बीमार घुसपैठिए सही जो है सभी को पिता सभी को पीटा जाता है और फिर यदि आप जो इसके अनुश्यक जो है और भारीपन से बचने के लिए जपते हैं तो अपनी जो आंखें बंद कर लेते हैं तो यहाँ पे फिल्म जो है सुनिश्चित करती है कि आवाज़ यहाँ पे आपके कानों तक पहुँचे वहीं प्रति पक्षी अपने जो है विषय को अपना अपने आठ वर्षीय भाई के सिर को एक तेज धार वाले रैंगिंग पर जो है यहाँ पे पटकने का आदेश देती है और फिर जो है लापरवाही से उससे कहती है कि वह अपने जो है चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि यहाँ पे पोर्ज पर जो है खड़े उसके माता पिता ये सुन सके फिर उनके सिर नीचे झुक जाते हैं और फिर उनकी आंखें लाल हो जाती है इसके अलावा कुछ तत्वों में कुछ चीज़ों को दिखाया जाता है लगातार वही इस फिल्म की एंड में वैसे जब इस फिल्म की बात आती है तो ये सब सिर्फ यानी कि किम शैली का सिरा है ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सही संदेश की कीमत पर भी अस्थिर होने की उम्मीद में कदम रखा था चौंका देने वाले दृश्य से फिल्म में जैसे कि जब कबीर और फिर जेवती जेवती का वनराज के नकली नकली जो प्रस्थान के बाद प्रस्थान के बाद भी जानवी को सतबद्ध पाते हैं और यहाँ पे दर्शक उसे जो है दर्शक उसे नकदी और फिर जो आभूषण से भरे जो है बैग के सामने हाथ जोड़कर कर खड़े देखते हैं जिससे जो उसने आग लगा दी है अपने आप में भयानक है लेकिन जब वो अपना जो यहाँ पे मुंह खोलता है तो लेखक यहाँ पे आमिल कियान खान जिन्होंने पहले जो है रणवीर चौंतीस और फिरजो देवशम टू में अजय देवन के साथ काम किया हुआ है बस इतना ही वो कह सकते हैं कि तुम्हें जो है लगा कि तुम मुझे पैसों से खरीद दो लोगे और फिर वनराज अपनी जो है भयानक जो है कुर्बानी के लिए उनकी बेटी को हासिल करने की अपनी जो है भव्य योजना का खुलासा करता है इसके बाद दोस्तों क्लाइमेक्स का अनुमान लगाया जा सकता है और अगर आप इसकी जो है कमजोरी को नज़रअंदाज करना भी चाहे तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि बलिदान वाला दृश्य और फिर मात का तांत्रिक मेकअप आपको ऐसा करने नहीं देगा अंतिम दृश्य जिसे जो है फिल्म की आत्मा प्रशंसा करने वाली आत्मा और फिर जो है चेतना जंगल में यहाँ पे सड़ते हुए जो है सरते हुए, हुए चूहे के साथ शुरुआत होता है जो कि दृश्य इसमें दिखाया गया है अंत तक उस से यहाँ पे गांड को भी ढीला कर दिया जाता है जिससे आपको ऐसी फिल्में देखने के बाद जो है अपने पेट में जो है महसूस करना चाहिए और साथ ही क्या मैं सी बी एफ से जो है अनुरोध कर सकता हूँ कि वह निर्माताओं को ऐसी फिल्मों के लिए ये फिल्म जो है काले जादू को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जैसे कि अशुभ कारणों से बचने की अनुमति दिया जाता है फिल्म के अंदर दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिव्यू कर दिया अजय देवगन की मस्ट फेवरेटेड फिल्म को जिसका नाम है शैतान जिसमें अजय देवगन ने काफी अच्छी परफॉर्म की है और इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कारोबार किया है बॉक्स ऑफिस पे अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हमने इस मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है उम्मीद करते हैं वाच का रिव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल सी यू सुन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल एके मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है सैतान तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैतान फिल्म की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है शैतान फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये फिल्म आपको अभी कौन सा यूट्यूब चैनल पे हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा या फिर कौन सी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म आसानी से हिंदी में देखने को मिल जाएगा इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप लोग सुपर अजय देवगन के फ़ैन हो और शैतान फिल्म को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है चलिए अब बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ए ही मोई फैट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से चला जाए तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से विस्तार में बात कर लेते हैं सैदान फिल्म के बारे में सबसे पहले बात करें इस फिल्म के रिलीज डेट के बारे में तो इस फिल्म को 8 मार्च 2024 को रिलीज़ किया गया था वही इस फिल्म की रनिंग टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है बात करें फिल्म की बजट के बारे में तो शैतान फिल्म को बनाने में 60 से लेकर पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था वहीं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में हम बात करें तो इस फिल्म ने 211 करोड़ से अधिक की कमाई किया है और इसे साथ दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है वही इस फिल्म की कहानी के बारे में हम बात करें तो फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो कि तब मुसीबत में पड़ जाते हैं जब उनकी बेटी एक अजनबी द्वारा डाले गए काले जादू के प्रभाव में आ जाती है और फिर वो उस अजनबी के इरादों का पता लगाने और उस पर जादू रोकने का प्रयास करते हैं उसके पूरे घर वाले इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की आधिकारिक घोषणा मई 2023 में ही की गई थी और फिर प्रमुख फोटोग्राफी जून से सितंबर 2023 के बीच देहरादून और लंदन में शुरू हुई थी दोस्तों फिल्म के संगीत के बारे में हम बात कर लें तो शैतान फिल्म के संगीत अमित त्रिवेदी ने तैयार किया है जबकि छायांकन और संपादन सुधाकर रेड्डी सर ने तैयार किया है शैतान फिल्म को सीधे आठ मार्च दो को महाशिवरात्रि के अवसर पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा देखने को मिली थी रिलीज होने पर जो की अनुमानित इस फिल्म को बनाने में साठ से पैंसठ करोड़ रुपया खर्च हुआ था और इसके मुकाबले इस फिल्म ने दो करोड़ से अधिक की कमाई किया है वही दोस्तों आपको बता दें ये फिल्म साल 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है वही 2024 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय हॉरर फिल्म में से इसको एक मानी जा रही है बात करें इस फिल्म के उत्पादन और ढलान के बारे में तो दोस्तों फिल्म गुजराती हॉरर फिल्म यानी वर्ष 2023 में रिलीज हुई फिल्म का ही मूवी रिमेक है वर्ष फिल्म 2023 के हिंदी रिमेक की घोषणा मई 2023 में ही की गई थी जिसमें अजय देवगन मुख्य भूमिका में होंगे बताया गया था जिसका निर्देशन विकास बहाल करेंगे ये भी जानकारी दी गई थी जबकि आधिकारिक शीर्षक जो है शैतान की पुष्टि जनवरी 2024 में ही कर दी गई थी इसी साथ आर माधवन को पक्षी और जयतिका को देवन की पत्नी के रूप में लिया गया था जो कि डम-डम-डम और इसके अलावा मगलिर मटूम दो हजार सत्रह के, के सत बाद उनका चौथा सहयोग था इनके साथ साथ ही जयतिका की पच्चीस साल बाद हिंदी फिल्मों में वापसी हुई है वही बच्चों की भूमिका निभाने के लिए जानकी बोधीवाला और फिर अंगद राज को साइन किया गया था जिसमें बोधीवाला ने ओवश से अपनी भूमिका को दोहराया है वही दोस्तों फिल्म की शूटिंग लंदन मुंबई और मसूरी में की गई है खास तौर पर और फिल्मांकन जून 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक चला था फिल्म का संगीत अमित त्रिवेदी सर ने तैयार किया है और गीत कुमार ने लिखे हैं आपको बता दें पहला सिंगल जिसका शीर्षक जो है खुशिया बटोर लो ये पंद्रह फरवरी दो को रिलीज किया गया था यूरोप के ऊपर अब आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म को क्रिटिक्स ने कितना रिस्पॉन्स रेटिंग दिया है वही समीक्षा करते हुए एग्रीगेटर वेबसाइट रोट एन पर पंद्रह आलोचकों की समीक्षाओं में से चालीस परसेंट सकारात्मक समीक्षाएं मिली हुई है जिनकी औसत रेटिंग कर हंगामा तरफ से में से स्टार रेटिंग दिया गया है और लिखा गया है इनके तरफ से चैतान एक रोमांचक थ्रिलर फिल्म है जिसमें बेहतरीन अभिनय और ताली बजाने लायक क्लाइमैक्स फिट किया गया है जो आपको बाधे रखती है पूरी फिल्म में टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल रोए ने इस फिल्म को फाइव में से थ्री पॉइंट फाइव स्टार दिया है इन्होंने लिखा है भले ही शैतान की कहानी कई बार लड़खड़ाती हो लेकिन माहौल का बेहतरीन इस्तेमाल और फिर बेहतरीन अभिनय इसे एक बेचैन कर देने वाला अनुभव में बदल देता है इंडिया टूडे की तरफ से साना फर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव इस्टार दिया है इन्होंने लिखा है शैतान कमज़ोर पड़ जाती है तब जब शायद जो है कमज़ोर स्क्रिप्ट और फिर रीमेक बनाने के दबाव के कारण जो है इस फिल्म को थोड़ा सा खींचा गया है अब इसके बाद फर्स्ट पोस्ट की तरफ से लक्ष्मी देव देवरोए ने इस फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग दी और कहा शैतान एक अच्छी अलौकिक थ्रिलर हो सकती थी इसे हमने जो है हाल ही में हिंदी सिनेमा में ज़्यादा नहीं देखा है लेकिन ये अच्छाई बनाम बुराई के युद्ध को दर्शाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से गड़बड़ साबित हुई और ये खास कर और ये खराब तरीकों से बनाई गई और रीमेक फिल्म है और कहानी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है अंत में नायब को जीत दिलाना फिल्म को बहुत ही ज़्यादा जो पूर्वानुमानित बना देता है इसके साथ ही एन टीवी की तरफ से शैबुल चटर्जी ने इस फिल्म को फाइव में से वन पॉइंट फाइव स्टार रेटिंग इन्होंने दिया है और लिखा है जीवतिका कलाकारों में एक मात्रा ऐसी है जो कि कार्यवाही की जो है सरासर और मूर्खता से थोड़ा सा ऊपर उठने में सक्षम हो जाती है दो पुरुष किरदार और फिर उन्हें जो है निभाने वाले अभिनेता कोई मौका नहीं देते हैं बॉक्स चौबीस पर भी फिल्म ने काफ़ी सॉलिड कमाई कर ली है अब आइए दोस्तों बात करते हैं शैतान फिल्म की कहानी के बारे में की फिल्म की कहानी कहाँ से शुरू होती है इस फिल्म की कहानी चार्टर अकाउंटेंट कबीर ऋषि और फिर उनकी पत्नी जयोति अपने बच्चों जानवी और दर्वा के साथ उत्तराखंड के देहरादून में रहते हैं वही एक दूर वही एक दूर दराज के हिल स्टेशन पर अपने फार्म हाउस में छुट्टियां मनाने के लिए वो जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए जाते कुछ समय बिताने जाते जहाँ पे वनराज कैशव नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से वो मिलते हैं फिर वहाँ पे वनराज जानवी को उसके उसके पराठे के बदले में एक लड्डू खिलाता है लड्डू खाने के बाद ही जानवी जो है कतपुतली की तरह उसकी हर आज्ञा का पालन करना स्टार्ट कर देती है वनराज बाद में फिर से जो है जानवी को बिस्किट का एक पैकेट देता है जो वह कार में होती है और फिर उसे जो फार्म हाउस पहुंचने के बाद इसे खाने के लिए कहते हैं वहीं कबीर और उसका परिवार जो है फार्म हाउस के पुल में आनंद लेने लगते हैं ज्योति अपना गीला फोन सुखाने के लिए चावल के डिब्बे में रख देती है और फिर जो है छत पर पहुंच जाती है उसने वनराज को फार्म हाउस के दरवाजे पर खड़ा पाया जानवी वनराज को अंदर आने देती है और वह दावा करता है कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई है इसके बाद उसकी उपस्थिति से परिवार यहाँ पर स्थिर हो जाता है और जेवती और जेवती कबीर से वनराज को घर से बाहर भेजने के लिए भी कहती है लेकिन वनराज यहाँ पे जानवी से उसके बॉयफ्रेंड और फिर कॉलेज के बारे में बात करना शुरू कर देता है ध्रुआ जानवी को उसके साथ खेलने के लिए कहता है फिर वनराज वह ध्रुआ से परेशान हो जाता है और जानवी से झूले पर ध्रुव को धमकाने के लिए भी कहता है जानवी ध्रुव के साथ बहुत ऊंचा झुलाती है जिससे जो है ध्रुव डर जाता है और फिर मदद की गुहार लगाना स्टार्ट कर देता है इस कहानी में आगे जीवती और फिर कबीर वहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद दोस्तों कबीर जानवी से घटना को भूल जाने के लिए कहता है कबीर वनराज से पूछता है कि उसने जानवी के साथ किया क्या है और फिर वनराज बताता है कि उसने काले जादू के जरिए उसे सम्मोहित कर लिया है अपने बस में कर लिया है और वह उसके हर आदेश का पालन करेगी बताता है वनराज जानवी को लगातार खड़े रहने और फिर बैठने का आदेश देता रहता है और वह उसका पालन करती रहती है वनराज जानवी को सभी फ़ोन टेलीफोन लाइन तोड़ने का भी आदेश दे देता है और जानवी को अजीब और फिर क्रूर चीज़ें करने के लिए भी निर्देशित करके परिवार को परेशान करता है वनराज जान्हबी को सूखी चाय की पतियाँ खाने का आदेश देता है और फिर ऐसा करती है कबीर जान्नवी को रोकता भी है और फिर वह वनराज के आदेश पर अपने पिता को थप्पड़ मारती है इस तरह से कहानी में बहुत कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है वनराज कबीर और फिर देवती से जानवी को उसे सौंपने के लिए भी कहता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए थी जब वह मना करता है तो वनराज जानवी को मार देता है और कबीर उस पर हमला करता है वनराज चान्नवी को ध्रुव का सिर तोड़ने का आदेश देता है और वह ऐसा ही करती है बाद में सेवती चावल के डिब्बे में रखे फोन से पुलिस को फोन करती है रखे फोन से पुलिस जो है हेली फोन करती है पुलिस जो है हेल पाइप पर कॉल उठाते हैं और पुलिस जो है फॉर्म हाउस पर पहुंच जाती है दरवाजे पर पुलिस को देखकर कर वनराज चन्नवी को गैस सिलेंडर चालू करने और फिर जो है माचिस जो है पकड़कर उस पर जो है बैठने का आदेश दे देता है फिर वह कबीर और फिर ज्योति को धमकी देता है कि अगर उन्होंने पुलिस को कुछ भी बताया तो वह जानवी को माचिस जलाकर जो है खुदकुशी करने का आदेश दे देगा परिवार पुलिस के साथ सामान्य व्यवहार करती है आने पर और पुलिस आखिरकार वहां से चली जाती है वही कबीर उन्हें जो है बखसने के बदले में वही कबीर उन्हें बकसने के बदले में पैसे देता है वराज सहमत हो जाता है और घर छोड़ देता है लेकिन पैसों को आग लगा देता है ये घोषणा करते हुए कि उसके लिए भौतिकवादी चीज़ों का कोई भी उपयोग नहीं है वो खुद को एक, एक एक राक्षस बताता है जिसका उद्देश्य दुनिया को नियंत्रित करना है खुद को भगवान के समान अच्छा मानता है और वह जानवी को लगातार जो है खुद को थप्पड़ मारने का आदेश देता है और फिर उसे उसके लिए नृत्य करने का आदेश रचता है जानवी एक घंटे से अधिक समय तक नृत्य करती रहती है वह नराज को चाकू लाने का आदेश देता है और फिर वह फिर वह सो वह सो जाता है जानवी को निर्देश देता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार दे जब उसके पिता वनराज का फोन चुराने की कोशिश करते हैं जानवी उसे मना करने की कोशिश करता है और उसे रोकने के लिए अपने शॉट में अपने शॉट में पेशाव कर देती है ताकि उसे उसे चाकू ना मारना पड़े वनराज जाग जाता है और ये देखकर जो है बहुत निराश हो जाता है पर्याप्त तो होने के बाद ज्योति आखिरकार जो है जानवी से चाकू छीन लेते हैं और फिर वन राज पर जो हमला किया जाता है में बाद में कबीर जानवी को साड़ियों पर बांध देता है और फिर जो है वन राज पर हमला करना शुरू कर देते हैं वन राज जान्नवी को खुद को जो है हंसने के लिए मारने का आदेश दे देता है और फिर जो है बताते हैं कि भले ही वह मारा गया हो जानवी अपनी नृत्य जानवी अपनी मृत्यु तक उसके अंतिम जो है आदेशों का पालन करना जारी रखेगी ये कबीर को उसे जाने देने के लिए मजबूर करता है फिर वनराज वह सान्नवी को अपने भाई को मारने का निर्देश देता है कबीर और फिर जेवती ने जानवी को रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन उसने उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया इसके बाद कहानी में ये महसूस करते हुए कि उनके बच्चे वास्तव में मर सकते हैं कबीर और ज्योति वनराज को जानवी को अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं वनराज जानवी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं ज्योति ध्रुव को अस्पताल में लेकर जाती है जबकि जो अंदराज को पता नहीं होता कि कबीर उसे अपने ठिकाने तक ले जा रहा है उसने पहले ही अपने जो है सेल फोन में एक ट्रेकर लगा दिया है और ये पता चलता है कि अंदराज ने 108 अन्य लड़कियों को इसी तरह सम्मोहित करके रखा है जानवी को अंतिम सदस्य के रूप में शामिल करके हुआ उन्हें अग्नि में बलि देने का बलि देने के कार्य की, की पूरी तैयारी कर लिया है वह सभी लड़कियों को आग में फेंकने वाला ही होता है तभी प्रत्येक काली जो है गुड़िया पर जो आग के करीब आने का आदेश दिया जाता है एक बार जब वो अंतिम जो है लालयन की गुड़िया फेंक देता है तो सभी लड़कियां आग में कूद जाएंगी इससे उसकी जो है इच्छा के अनुसार किसी को भी नियंत्रित करने, करने की शक्ति प्राप्त करने की रस्म पूरी हो जाएगी क्योंकि उसका मानना है कि मनुष्य जो है स्वतंत्रता इच्छा के लायक नहीं है कबीर वनराज का पीछा करता रहता है और वहाँ पहुँच जाता है लेकिन एक लड़की उस पर हमला कर देती है वनराज कबीर पर अपना पैर रखता है और फिर रस्म पूरी करने की रस्म पूरी करने ही वाला होता है फिर कबीर जो है वनराज पर जो है जलाऊ लड़की से हमला करवाता है और अंत में जो है अंतिम लाल गुड़िया से वनराज की जीभ काट लेता है वनराज लड़कियों को कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है और जब जो है यहाँ पे आशय होता है तो जब लड़कियाँ कबीर को मारने की कोशिश करती है तो वह वंदराज की आवाज़ की संपादित रिकॉर्डिंग बजाता है जिसमें वह उनकी जो है आजादी की घोषणा करता है इससे पहले कबीर ने घर के जो है सिक्योरिटी कैमरे से वंदराज की रिकॉर्डिंग ली थी जिसमें वह जानवी से कह रहा था कि उसके पिता चाहते हैं कि वह उसे छोड़ दे कबीर ने अपने शब्द को इस तरह से जोड़ा कि ऐसा लगे कि वंदराज लड़कियों को सामान्य होने का आदेश दे रहा है इस तरह रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लड़कियाँ उसके नियंत्रण से मुक्त हो जाती है जैसे ही कबीर और फिर उसका परिवार जो है अस्पताल में ठीक हो जाते हैं वनराज की जो है यहाँ पे बंधक लड़कियों को पुलिस द्वारा पुलिस पुलिस द्वारा सुरक्षित रूप से उनके घर वापस भेज दिया जाता है जो कि कबीर को सूचित किया जाता है कि वनराज लापता हो गया है इसके बाद दोस्तों एक साल बाद कबीर को एक अलग कमरे में जाते हुए देखा जाता है जहाँ पे उसने वास्तव में वनराज को बंदी बना रखा है और वह वनराज का मजाक उड़ाता है जो अब जो है बोल नहीं सकता और उसे जो है सत्ता की चाह है और वो कहता है कि असली ताकत जो है माता पिता असली ताकत माता पिता से अति कोई नहीं हो सकता अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वह घोषणा करता है कि ये अब नरक है तुम्हारे लिए और वनराज का शैतान और वनराज का शैतान ही है फिर वह वनराज से कहता है कि अगले दिन फिर मिलेंगे और वहाँ से वो चला जाता है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है वही दोस्तों इस फिल्म की मूवी रिव्यू के बारे में हम बात कर ले तो अक्सर अजय देवगन की कहानियों और ट्रीटमेंट के लिए अंतहीन भूख पर जो आश्चर्य चर्कित किया जाता है और उन्हें उन्हें अपरिहार्य और फिर मुक्ति दाता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है वह एक खास तरह के अल्ट्रा मर्दाना और अडिग नायक की भूमिका निभा सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आदर्शों और फिर जो कथिक रूप से प्यारे जो भोलेपन से बहुत अधिक ग्रस्त है जिसकी भरपाई जो है ताकत और फिर जो है सुसंत कृत और सहजता है और यानी कि उग्र और स्वभाव की जो है स्वभाव की जानी चाहिए और इस जो है मामलों में यहाँ पे गंगा जल दो हज़ार तीन इसके लव सिंगम फ्रेंचाइजी और फिर रेड फिल्म दो आप लोग देख सकते हो इस तरह से मुझे उनकी हालिया फिल्मों के दूसरे हिस्से पर ज़्यादा जो आश्चर्य हुआ इसमें उन्होंने एक नासमझ कठोर पिता की भूमिका निभाई है फिर जिसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जिसमें एक प्यार करने वाला परिवार की अब पूरी चीज़ें शामिल है जो कि उसकी दुनिया के केंद्र में है उन्होंने देवश्याम फिल्म देर फिल्मों में और फिट हुए सिवाय दो में ऐसा ही किया है विकास बहल की शैतान में अजय देवगन के अंदर का राक्षस उनके अंदर के पिता से मेल खाता है दोस्तों उनकी फिल्मों के बारे में इतना ज़्यादा इसलिए बता इतना ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो है इस यानि की टॉर्चर पौर्णों में बहुत जो कुछ रखी गई जो कि अजय देवगन कबीर ऋषि के रूप में सेट किए गए चरित्र पर टिके हुए हैं और एक यहाँ पे समझौतावादी जो है पिता है जो कि अपनी बेटी के जीवन और फिर सम्मान के लिए लड़ते हैं इस तरह से शैतान के साथ जो खौफ और झिझक जो आती है वह इसलिए नहीं है क्योंकि फिल्म और फिर इसकी पदकथा में जो यहाँ परिस्थितियाँ मौजूद है वह वा वास्तव में वास्तव में स्वाभाविक रूप से जो है व्यवहार है वह परिस्थितियाँ प्रतिक्रिया टेम्पलेट के उत्पाद के रूप में काम करते हैं जो कि यहाँ पे विकृत मनोवैज्ञानिक थ्रिलर और फिर जो है बंधक नाटक और फिर हमेशा पेश करते हैं विकास की फिल्म इन जो है दोनों उप शैलियों को लिया जाता है और फिर इसे जो है अलौकिकता के अति रेक में जो है फेंक दिया जाता है और यही वह चीज़ है जो कि अंतिम उत्पाद को इतना बेकार बना देता है कहीं ना कहीं दोस्तों बता दे पहाड़ियों में एक परिवार के यहाँ पे सुदूर जो है फार्म हाउस में एक बीन यानी कि बुरा है मेहमान के दौरान पर्याप्त रूप से परेशान करने वाला नहीं है उसे एक है। उसे एक यानी कि वशीकरण के साथ मिलकर और फिर जो विशेषज्ञ होने की आवश्यकताएं है जिसके तरीके विज्ञान की समझ से परे हैं और क्या हम वास्तव में अभी भी ऐसा कर सकते हैं और जिसका लक्ष्य जो है किशोर लड़कियों को सम्मोहित करने और उनका अपहरण करने और उन्हें और उन्हें जौहर शैली की बलि के लिए इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है ताकि जो है पत, ताकि जो है पताल की बागडोर उसके हाथों में आ जाए कई भारतीय बच्चों को ये कहते हुए बड़ा किया जाता है कि वह अजनबियों से कैदी या फिर जो ट्रीट न ले और इसी तरह ये शैतान जो है यहाँ पे पर परपीरत और फिर अजय देवगन की बेटी जानवी यानी कि जानकी पोदी वाला पर जो है नियंत्रण किया जाता है इसी तरह से अब इस कहानी में इस पागल घुसपैठियों के किरदार के लिए माधवन शरारती किरदारों के लिए अपनी जो है प्रवृत्ति का इस्तेमाल करते हैं परिवार के आपसी संबंधों में खुद को जो है शामिल करना और फिर उसके तुरंत बाद जो है उनके घर में घुस जाना किसी तरह की महारत लग सकता है लेकिन ये भी स्क्रीन पर जो है अनगिनत बार जो है किया गया है और मेरे पसंदीदा है क्योंकि द किलिंग ऑफ यानी कि ए सिक्रेट डियर और फ्य जूह फनी गेम्स इन द वेस्ट और कौन और फिर जो रोड क्लोजर में भी दिखाया गया था अजय देवगन अभिनीत कई फिल्मों में जो चीज़ जो है उबाऊ लगती है और बल्कि घिनौनी लगती है और यहाँ पे क्रूरता या फिर जो यातना और युवा महिलाओं की यौन जो है भेदता पर निर्भरता किया गया है मानसिक रूप से बता दें बीमार घुसपैठिए शहीद जो है सभी को पिता सभी को पीटा जाता है और फिर यदि आप जो इसके अनुश्यक जो है और भारीपन से बचने के लिए जपते हैं तो अपनी जो आंखें बंद कर लेते हैं तो यहाँ पे फिल्म जो सुनिश्चित करती है कि आवाज़ यहाँ पे आपके कानों तक पहुंचे वहीं प्रति पक्षी अपने जो है विषय को अपना अपने आठ वर्षीय भाई के सिर को एक तेज धार वाले रेंगिंग पर जो है यहाँ पे पटकने का आदेश देती है और फिर जो है लापरवाही से उससे कहती है कि वह अपने जो है चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारे कि यहाँ पे पोच पर जो है खड़े उसके माता पिता ये सुन सके